हेलो। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन सिंह राजधानी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग में क्लास नंबर 2 होगी। पहली क्लास हमने कल लगाई थी, आज ये नंबर 2। आप पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। रीजनिंग के बारे में कोडिंग डिकोडिंग जब पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात यह आती है कि इसमें से कितने क्वेश्चन हमारी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। जैसे कि मैथ के अंदर जानते हैं कि परसेंटेज आप पढ़ते हैं तो लाभ हानि भी आपको पढ़ना होगा, उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग से मिलने वाली कई प्रश्नावलियाँ, यानी कि 30% पोर्शन यहाँ से रहता है। कल मैंने इसके बारे में जानकारी दी थी, आज फिर से थोड़ी सी जानकारी दूंगा और इसके आधार पर, इस जानकारी के आधार पर हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। यह दुनिया की सबसे सरल सब्जेक्ट है, यह समझने का सब्जेक्ट है, न कि रटने का और याद करने का। मैंने कल आपको कहा था, आज एक बार फिर से याद दिलाऊंगा कि अगर ए बी सी डी की बात करते तो ए एक नंबर पे आता है, इसके अंदर बी 2 नंबर पे आता है और सी 3 नंबर पे आता है और डी 4 नंबर पे आता है। ये याद रखने होंगे हमारे को। जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो जिसको ये याद है तो वो जल्दी कर लेगा, जिसको याद नहीं तो वो आराम से लेट करेगा, और लेट करने का मतलब फेल होना ही होता है। अगर आपको पूरी मैथ्स और रीजनिंग का नॉलेज है लेकिन आप उसको नियम से करते हैं, फॉर्मूले से करते हैं, लॉन्ग मेथड से करते हैं तो भी फेल होते ही रहेंगे, तो उनके लिए शॉर्टकट की जरूरत होती है। तो हम समझेंगे, ई की बात करते तो ई आता है 5 नंबर पर। अगर हम एफ की बात करते तो एफ यानी होता है फिक्स और फिक्स यानी होता है 6। ये याद करने के लिए बोला जा रहा है कि आपको एफ यानी होता है फिक्स और फिक्स यानी होता है 6। अगर हम बात करते हैं जी की तो हम देखते हैं जी में 7 नजर आता है, तो हम इसको पढ़ सकते हैं कि हमको ये जी है ना कैसा लगता है, 7 जैसा। इसी प्रकार हम एच की बात करते हैं, एच ये है, लेकिन अगर हम इसको याद करें थोड़ा बहुत, अगर मान लो यहां से मिला दे तो हमको एच कैसा लगता है भाई, 8 जैसा। और आई की अगर हम बात करते हैं तो आई हमको तो आई तो बिल्कुल 9 जैसा ही नजर आता है। इसके बाद में जे और के की बात करते हैं तो इसको हम याद करेंगे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में मरे 10-11 आतंकवादी। जम्मू कश्मीर में मरे 10-11 आतंकवादी, एल यानी लास्ट, लास्ट में होता है 12वां। एम यानी मेरा और मेरा यानी 13, यानी एम 13 नंबर पे आता है, तो इसको याद करने के लिए बोला जा रहा है कि भाई एम यानी मेरा और मेरा यानी 13। इसके बाद में आएगा एन, एन नहीं जाऊंगा 14 को, नहीं जाऊंगा 14 को, पेप्सी पीऊंगा 16 को, पी फॉर पेप्सी होता है। पेप्सी पीऊंगा 16 को, क्यून के हैं 17 नखरे, क्यून यानी रानी, क्यू यू डब्ल्यू एन, क्यून के हैं 17 नखरे, रानियों के 17 नखरे होते हैं भाई। आर एस का फॉर्म भर दिया आपने 18-19 साल की उम्र में, आर ए एस होता है वो, लेकिन हम याद करने की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। आर एस का फॉर्म भरते हैं 18-19 साल की उम्र में, टी यानी 20 और 20 यानी होता है 20, युवा होता है 21 का, युवा होता है 21 का। भाई जैसा कि मान लीजिए आपसे मैं बोलूँ आप युवा है क्या, तो युवा होने की शर्त है कि आप 21 साल का होना जरूरी है, राइट। 21 साल का होता है जब, तो होता है युवा। लड़की और लड़के, अगर लड़के की शादी करनी है और लड़के की, तो लड़के अगर 21 साल का है ना तो ही वो शादी कर सकता है, वैसे तो अनलीगल तो कुछ भी करो। युवा होता है 21 साल का। विलेज जाएंगे 22 को, वी आई डब्ल एल ए जी ई, विलेज यानी गांव, विलेज जाएंगे 22 को, और डब्ल्यू ए आई टी वेट, वेट यानी इंतजार, डब्ल्यू से बनेगा वेट, इंतजार करना 23 को। इसके बाद में रहेगा एक्स वाई जेड और इसमें ये रहेगा 24, 25 और 26। तो ये हमारे ए बी सी डी के अक्षर हैं जिनको हम याद कर लेते हैं इस तरीके से। इसको पढ़ने का सिर्फ एक ही मकसद है कि प्रॉपर तरीके से हमें ये याद रह जाए। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा और समझने की आप भी कोशिश करें। ए एक नंबर पे आता है, ये तो हमें वैसे भी मालूम है। बी 5 नंबर पे नहीं आता, 2 पे आता है, ये दुनिया को मालूम है। सी का भी 3 है, डी का भी 4, यहाँ तक तो वैसे भी क्लियर है। ई यानी 5 नंबर पर, अब यहाँ से शुरुआत करता है याद करने की। एफ यानी फिक्स होता है और फिक्स यानी होता है 6। जी हमको लगता है 7 जैसा, एच हमको लगता है 8 जैसा। ये एच है लेकिन मैंने अगर थोड़ा यहाँ से इसको दबा दिया तो ये 8 जैसा नजर आने लग जाएगा,
सर इसमें सात कहाँ लग रहा है? इसमें ये जी है ना, इसको अगर इसको यहां से माने हम सोचेंगे तो सात जैसा नजर आएगा, एच आठ जैसा लगता है, आई लगता है नौ जैसा। जम्मू कश्मीर में मरे 10-11 आतंकवादी, यानी जे 10 नंबर पे आता है और के 11 नंबर पे आता है। लास्ट में होता है बारवा, इस बारवे का मतलब है एल 12 नंबर पे आता है। एम यानी मेरा, मेरा यानी तेरा, नहीं जाऊंगा 14 को, ऑफिस जाऊंगा 15 को, नहीं जाऊंगा 14 को और ऑफिस जाऊंगा 15 को। ओ डब्ल एफ आई सी ऑफिस, ऑफिस जाऊंगा 15 को, पेप्सी पीऊंगा 16 को, क्यों उनके 17 नखरे, रानियों के 17 नखरे होते हैं भाई, 17 नखरे 16 श्रृंगार, मामला बहुत भारी है। आप जानते हैं नॉर्मल लड़की नखरे करके उतरती है, रानी है तो खतरनाक नखरे करेगी ना, 17 नखरे करके डोलती है। आरएस का फॉर्म 18-19 साल में भरा है, 20 यानी 20 होता है, युवा 21 का होता है, गांव जाएंगे 22 को, इंतजार करना हमारे 23 को, और इसके बाद में हमने लास्ट में पढ़ा एक्स वाई जेड यानी कि 24, 25 और 26। तो ये हमारे दिमाग में एकदम से सेट रहना चाहिए ऑलरेडी। आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, अगर आप इनको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, और जिनको पहले से आता है उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसके बाद में आगे पढ़ेंगे इसमें। किताब ले ली नीचे से, इसके बाद में ओके चले आगे, है ना। मेरा बताने का फर्ज है, मैं सब चीज बता के चलूंगा, चाहे वो आपसे आती है तब भी बताऊंगा मैं। बिल्कुल इजी है, कठिन नहीं है ये सब्जेक्ट। मैं तो रजनी ही तो कम से कम वो सब्जेक्ट है जिसमें कम से कम इसमें तो याद नहीं करना, और हर एग्जाम में 50% पोर्शन रहता है मैथ और रीजनिंग का। अब इसमें अगली बात ध्यान से समझे, ये ऐसे भी पूछ लेता है कि ए का विलोम शब्द क्या होगा, बी का विलोम शब्द क्या होगा। चलो आप मुझे बताओ ए का विलोम शब्द क्या होता है? जेड होता है, ए आगे से एक नंबर पे आता है और जेड पीछे से एक नंबर पे आता है, और बी का उल्टा क्या होता है क्या, और सी का उल्टा, एच का उल्टा, एच का उल्टा एच एस, और के का उल्टा पी। शाबाश, वेरी गुड, अच्छी बात है, इस प्रकार ही मेहनत करते रहिए। और जिन बच्चों को नहीं आता वो ध्यान रखे, इसको भी याद करने का कुछ तरीका है कि हमने इसको याद किया, अजर नाम का एक लड़का था, अरे भाई लड़की नहीं था, क्या था, लड़का था, और यामा क्रक्स मोटरसाइकिल पे घूमता, एक गाड़ी आती यामा क्रक्स, वो दूध बेचता था उस गाड़ी पे बैठ के, इसलिए उसको लोग क्या कहते हैं, दूध वाला। अब वो दूध वाला दूध बेचने जाता था तो अकेला नहीं जाता था, अपने फादर अंकल के साथ में दूध बेचने जाता था, और कौन सी जगह बेचता था, गौरव टावर में, जीटी में। अब गौरव टावर में दूध तो आप जानते हैं सुबह सुबह बेचते हैं, जल्दी जल्दी 4-5 बजे बेच के आ जाता था, आने के बाद में अपने स्कूल में जाता था, और स्कूल में कौन सी में जाता था, हाई सेकेंडरी में। अब हाई सेकेंडरी में अगर बंदा पढ़ेगा तो उसकी नौकरी भी लगेगी, और उसकी नौकरी लग गई इंडियन रेलवे में, और जैसे इंडियन रेलवे में नौकरी लगी तो उसको क्या हो गया, लव। लव एक ऐसी बीमारी किसी को भी किसी वक्त हो सकता है। अब उसको लव भी हुआ तो हुआ किससे, हुआ जयपुर की रानी से, जयपुर की उन। अब जयपुर की रानी से जब लव होगा तो आपको पता है कि सजा भी जोरदार मिलने वाली है, तो उस जमाने की सजा उसको मिल गई है काले पानी की, धोड़े पानी की नहीं है, काले पानी की। तो लड़का जेल में घुस गया, जब बाहर आया तो आदमी बन के निकला। तो इसमें याद रखना होगा कि ए का विलोम शब्द जेड होता है, बी का विलोम शब्द वाई होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, यानी कि सी आगे से 3 नंबर पे आता है ना, उसी प्रकार एक्स भी पीछे से 3 नंबर पे आता है। अब आपसे बोलेंगे सर डी का उल्टा क्या होता है, तो डी का उल्टा डब्लू होता है, डी आगे से 4 नंबर पे आता है और डब्लू पीछे से 4 नंबर पे आता है। इसी प्रकार प्यारे विद्यार्थियों एफ का उल्टा यू होता है, यानी एफ 6 नंबर पे आता है ना, इसी प्रकार पीछे से 6 नंबर पे यू आता है। अगर हम बात करते हैं जी की, तो जी का उल्टा टी होता है, H का उल्टा S होता है, I का उल्टा R होता है, और L का उल्टा O होता है, यहां ध्यान रखो O का उल्टा L, L का उल्टा O, और V का E होता है, E का V होता है। अगर J की बात करते हैं तो J का विलोम शब्द Q होता है, और K की बात करते हैं तो इसका विलोम शब्द P होता है, और प्यारे विद्यार्थियों M की बात करते हैं तो इसका विलोम शब्द N होता है। तो इस तरीके से हमने याद किया, तो अजर नाम का लड़का था, लड़की नहीं थी लड़का था, गाड़ी का नाम करेक्ट था, दूध बेचने जाता था इसलिए लोग उसको दूध वाला कहते थे, अकेला नहीं गया कभी भी, अपने फादर अंकल के साथ में दूध बेचने जाता था सुबह सुबह, कौन सी जगह, जीटी में। अब जीटी में जब वो दूध बेचने जाता था मॉर्निंग में जाएगा, उसके बाद में वापस आ जाएगा और अपने स्कूल में जाएगा, कौन सी स्कूल थी उसकी, हाई सेकेंडरी। हाई सेकेंडरी में पढ़ने की वजह से नौकरी लग गई, किस में लग गई बताओ, इंडियन रेलवे में। इंडियन रेलवे में नौकरी लगने के बाद में उसको क्या हो गया, लव।
अब लव किससे हुआ? जयपुर की रानी से। कौन सी रानी से भाई? जयपुर की रानी से। अब जयपुर की रानी से जब आप लव करेंगे तो सजा उस जमाने में कौन सी मिली? काले पानी की। सुधर के लड़का क्या बन गया? एक अच्छा आदमी। बताइए मुझे ए का उल्टा क्या होता है? और मैं पूछूं जेड का उल्टा? बी का उल्टा? बी का उल्टा सी? डी का उल्टा? और मैं कहूं डब्ल्यू का उल्टा? एफ का उल्टा? और यू का उल्टा? जी बोले तो? और अगर एच बोले तो? आई बोले तो? एल का? एल का? और वी का? और उल्टा वी का? ई और ई का? वी। और जे का? जे का क्यों हो गया? के का उल्टा? और एम का विलोम शब्द? एन। और एन का ए। तो इनको उल्टे सुलटे भी याद रखने पड़ेंगे आपको। अगर आप इनको याद नहीं रख पाते हैं तब भी सवाल सही हो जाएगा, लेकिन अगर ये पहले से याद है, पक्के याद है, तो अलग ही बात होती है, अलग ही मजा आता है सवाल हल करने का, कॉन्फिडेंस होता है, आदमी जल्दी करता है सवाल को। तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। हाँ भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। सतीश, मनोज, पिंटू, लक्ष्मण, लखन, मोनू, देशराज, क्या हो गया? हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं आगे इसके क्वेश्चनों की तरफ। कल मैंने इसकी एक टाइप आपको पढ़ाई थी, उसी टाइप का मैं सवाल एक बार फिर से लिखता हूँ, कोशिश करेंगे आप लोग उसका आंसर सही देंगे। लिखिए क्वेश्चन नंबर वन। अगर भारत को अमेरिका कहा जाए अमेरिका को जापान कहा जाए, बोर्ड पे से लिखना जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा ही, और जापान को रूस कहा जाए, और रूस को कनाडा कहा जाए, तो बताओ S-400 मिसाइल किस देश की है? S-400 मिसाइल किस देश की है? क्वेश्चन नंबर वन। भारत को अमेरिका कहा जाए, अमेरिका को जापान कहा जाए, जापान को रूस कहा जाए, रूस को कनाडा कहा जाए, तो S-400 मिसाइल किस देश की है?
बताइए उमेश। हाँ भाई आप बताइए। क्या बोल रहा है? वैसे तो S-400 किस देश की है? भारत का मित्र है वो देश। वेरी गुड, ध्यान रखें S-400 मिसाइल है ना रूस की है, लेकिन रूस की है तो रूस आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आपने रूस को क्या बोल दिया है? कनाडा। ये कहता है कि भाई अगर हम भारत का नाम अमेरिका रख दें। आप क्या पढ़ रहे हो? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? ये क्या नाम है, क्या क्या है ये? पेन है। अब मैंने अगर आपसे मान लीजिए बोल दिया कि ऐसा है, यहां से तेरे को कल एक बम दे रहा हूं और इस बम को गंगापुर में जाके पटक दे, पटक दे कहीं पे, सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट में पटक देना भैया। अब मैं फोन करूंगा, अब मैंने कह दिया इस बम का नाम है फूल, बम का नाम क्या रख दिया? फूल। और माधोपुर का नाम रख देते हैं जोधपुर। अब ये गया, मैंने आधे घंटे बाद फोन किया, फूल सुरक्षित है ना? ये बोला सर फूल कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, खुशबू दे रहा है बढ़िया ढंग की। फिर ये सवाई माधोपुर में जा गया, कलेक्ट्री के अंदर घुस गया, मैंने बोला कहाँ पे पहुंच गए? बोला सर मैं जोधपुर पहुंच गया। अगर पुलिस पकड़ती भी है तो पुलिस कहाँ जाएगी? जोधपुर। और पटेल कहाँ घूम रहे हैं? माधोपुर। मैंने कहा पटक दे फूल, तो फूल का मतलब क्या किया जा रहा है? बम। तो इसका मतलब ये कोड है, कोड है ये कोड। कई बार आपने देखा होगा, एक आपके लेवल की बात करता हूं, जैसे कोई लड़की लड़के से बात कर रही है, बगल में माँ बाप बैठे हैं और लड़के से बात कर रही है, लेकिन वो ऐसे बोल रही है क्या कर रही है, जबकि कर रहा है होता है उधर से, तो वो कोड बोलते हैं ना भाई ऐसे, ये कोडिंग डिकोडिंग होती है। मैंने तेरे से कह दिया पार्क में मिलेंगे, लेकिन तेरे को कोड बोल दिया, पार्क का मतलब मैं बोलूंगा कॉलेज, तो मैं बोलेंगे ऐसा करना कॉलेज में आ जाना सुबह 8 बजे, बात करेंगे अपन वहीं चाय पियेंगे, कॉलेज में आना सुबह 8 बजे। अब दुनिया खूब सुने, कॉलेज में थोड़ी बुला रहे, कॉलेज का मतलब पहले से है, कॉलेज का मतलब गार्डन होगा, तो इसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। ये पूरा इंटेलिजेंस इसी से चलता है, पुलिस के सबके कोड होते हैं। आप आर्मी में ड्यूटी कर रहे हैं, फौज में सो रहे हैं आप आराम से, और रात के 12 बजे अगर कोई आ गया तो आप गोली थोड़ी मारोगे, क्या पता अपना ही आदमी हो, क्या पता आतंकवादी हो। तो कोड होते हैं दिल्ली के, आज का सेट होता है जैसे इसका नाम है राजीव, तो वो डिसाइड करेंगे कि आज का कोड रहेगा, जैसे आपका नाम राजीव है तो आप बोलेंगे जी राजीव, आप कोड रहेगा आगे जी लगाना नाम के आगे। अब मान लीजिए आप सो रहे, अचानक से कोई आतंकवादी आ गया तो वो डायरेक्ट गोली नहीं मारेंगे, कौन है भाई? अब उसने बोल दिया सर मेरा नाम अमन है, तो वो मरेगा। पहले बताया गया था कि आपका नाम अमन है, तो आपको बोलना चाहता जी अमन, कोड होता है दिल्ली का, नहीं तो रात में कोई भी हमला कर दे। तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत काम की प्रश्नावली, ऐसे नहीं है ये प्रश्नावली। तो ध्यान रखे रूस ने बनाई है S-400, लेकिन हमने रूस का क्या नाम रखा है यहां पे? कनाडा। तो इस सवाल का आंसर रूस नहीं होगा, रूस आंसर होते हुए भी आंसर क्या देना पड़ा है? कनाडा। और ध्यान रखना ये मिसाइल कैसी है, इस मिसाइल की शक्ति बताता हूं, अगर इसको यहां डाल दिया ना तो ये 900 किलोमीटर दूर तक, 900 मीटर नहीं 900 किलोमीटर दूर तक राख ही राख कर देगी। बहुत भयानक है मिसाइल, चारों तरफ ही 900 900 900 900 से 1000 की रेंज बताई जाती है इसकी। तो अब रूस ने इस मिसाइल को बनाई तो भारत को फोन किया कि हमने एक बहुत बढ़िया मिसाइल बनाई है दोस्त, तुम भी ले जाओ, तुम्हारे को जरूरत है तो हमने कहा भाई हम पाकिस्तान पे डाल देंगे, लेकिन भारत ने बोला यार ठीक है बनाइए, तो हमारे तो काम की नहीं है। बोला क्यों, इतनी बढ़िया मिसाइल है? बोले पाकिस्तान छोटा है और पाकिस्तान में डालते हैं तो 900 किलोमीटर है, जब भी मर रहे हैं हम तो भाई बॉर्डर पर पाकिस्तान से टच है, अब पाकिस्तान में डालेंगे तो 900 किलोमीटर तो अपने जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर वाले तो ये वैसे बेहोश हो जाएंगे। तो बोला यार हमारे काम की नहीं है। अब इस बात का पता किसको चल गया? जैसलमेर वाले को। बोला यार ऐसे बोल रहे हैं पाकिस्तान पर अगर डाल देते हैं तो ये जैसलमेर वाले चले जाएंगे काम से। तो ये बोलते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं ले लीजिए इसको काम में, हमारे तो पहले से रेगिस्तान, हमारे तो वैसे घास नहीं उगती, टेंशन ही नहीं है, डाल सकते हो। जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर मरुस्थल है या नहीं है? राजस्थान में कितना परसेंट मरुस्थल है चलो बताओ? 60% मरुस्थल ही मरुस्थल है, और अब तक और ज्यादा हो जाता है, लेकिन एक बंदा है जो खड़ा है आराम से उसको रोक रखा है, कौन है? अरावली पर्वतमाला, पर्वत लग गया ना आगे तो इससे धूल आती नहीं है,
आंगियों के थ्रू आती है ना, मृदा अपरदन होता है। चलो ध्यान रखें, रूस और रूस का मतलब आंसर क्या दिया आपने, कनाडा। क्लियर है मैटर, छाप लीजिएगा। आंसर इसका है कनाडा। यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जाए, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को वकील कहा जाए, डॉक्टर को वकील कहा जाए, वकील को सर्जन कहा जाए, वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? सवाल है, अपराधियों को कौन पकड़ेगा? अपराधियों को या अपराधी को कौन पकड़ेगा? देखो कितने अच्छे सब्जेक्ट है, समझने के सब्जेक्ट है, फ्री के नंबर है, ऐसे मान लो। इसमें ऐसे सवाल अगर गलत करे तो उससे बड़ा मूर्ख भी नहीं होगा कोई। मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो अपराधी को कौन पकड़ता है? बिल्कुल सही है, पुलिस पकड़ती है अपराधी को। लेकिन हम आंसर पुलिस भरेंगे, कुछ और भरेंगे, क्या भरेंगे? क्योंकि आपने पुलिस को क्या बोल दिया गया, शिक्षक। अगर पुलिस को शिक्षक कहा जाए तो भाई अपराधी को तो पुलिस पकड़ेगा, लेकिन पुलिस का नाम क्या रख दिया, शिक्षक। तो इसका मतलब है शिक्षक, तो आंसर शिक्षक देना होगा, न कि पुलिस। इसमें कई ज्यादा इंटेलिजेंट लोग क्या कर देते हैं, समझो, उनसे बोले अपराधी को कौन पकड़ेगा, बोला सर पुलिस, लेकिन पुलिस का क्या नाम है, शिक्षक। फिर वो और आगे सोचते हैं, लेकिन यार शिक्षक को तो राजनीतिज्ञ कहते हैं सर, लेकिन राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहते हैं, और डॉक्टर को वकील कहते हैं, और वकील को सर्जन कहते हैं, और लास्ट में आंसर सर्जन भर दिया। तो यहां पे पुलिस को क्या कहा गया, शिक्षक। यही रुकना आपको, आपको ये नहीं, पुलिस को तो शिक्षक कहते हैं, लेकिन भैया शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहते हैं, लेकिन राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहते हैं, लेकिन डॉक्टर को वकील कहते हैं, ऐसे करते करते यही आ जाएंगे वापस, तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखें, फर्स्ट लाइन से क्लिक करना है, पुलिस का शिक्षक आ जाएगा, तो राइट आंसर होगा आपका शिक्षक। क्या जो सर्जन, सर्जरी करता है जो, मिटा दे इसको। अब आपको लग गया होगा, ये दो ही सवालों से आप समझ गए होंगे कि इस टाइप का सवाल आ गया तो आप कर दोगे। लेकिन ध्यान रखे, अगर आपसे इसने बोला था S-400 मिसाइल किस देश की है, अब आपको ये पता नहीं है कि S-400 मिसाइल किस देश की है, तो आप रीजनिंग का सवाल होते हुए भी गलत होएगा आपका। हाँ, नहीं आई बात समझ में? भाई आपसे बोल दिया कि रूस का राष्ट्रपति कौन है, अब रूस का राष्ट्रपति का नाम अपन को नहीं है, तो अपन तो वो रीजनिंग का ही सवाल है, लेकिन फिर भी नहीं होगा। रीजनिंग सामान्य ज्ञान है, ये तर्क शक्ति है, ये क्या करते हैं सवाल को कठिन करने के लिए साथ में जीके मिक्स कर लेते हैं। इसलिए आप जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उसमें फिक्स कहा देता है, जीके में फिक्स कहा देता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसी टाइप से सिलेबस पूरा करते हैं ये लोग। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। लिखो 481 बराबर स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू। आगे लिखो 246 का अर्थ है, 246 बराबर सी इज डीप, 248 डीप यानी गहरा। 698 का है सी लुक ब्लू, सी लुक्स ब्लू।
ब्लू का कोड क्या होगा? ब्लू का कोड क्या होगा? कोशिश करें आप लोग बताने की, ब्लू का कोड क्या हो सकता है, बता सकते हैं क्या? 6, 9, कुछ लोग 6 बता रहे हैं, कुछ लोग 9 बता रहे हैं, फिक्स बताओ भाई। पीछे वाला विद्यार्थी आप बताओ क्या होगा? आइडिया नहीं है, आप बताइए। हाँ, 9 किसने बताया? ओके, अब देखते हैं कि क्या है। आप लोग समझो, 4 का मतलब है स्काई, 8 का मतलब है इंच, और 1 का मतलब होता है ब्लू। ऐसा नहीं है, ये इतना भी सीधा नहीं है कि सीधा ही काम हो गया, पर ये भी बात फिक्स है कि 4 का मतलब इन तीनों में से है कोई ना कोई, ये रेगुलर नहीं है, आगे पीछे हो सकते हैं। 8 का मतलब या तो ये होगा या ये होगा, ये वन तीनों में से कोई ना कोई है। इसी प्रकार 1 का मतलब, जैसे इसमें 1 अंक 2 अंक 3 अंक है ना, तो इसमें अक्षर भी 3 है, तो ये 1 1 है इसमें। अब आपको समझो ब्लू का कोड बताना है, तो प्यारे विद्यार्थी इसमें ब्लू है क्या? हाँ सर, इसमें ब्लू है, ये बेटा ब्लू। ओके, इसमें भी ब्लू है क्या? इसमें तो सर ब्लू नहीं है। इसमें ब्लू है क्या? हाँ सर, इसमें ब्लू है। दोनों में ब्लू है ना, ऊपर वाली लाइन में ब्लू है, नीचे लाइन में भी ब्लू है। अगर दोनों खाया बीच वाली में नहीं है तो ब्लू दोनों में है, क्या हो गया? बी एल, कौन सी स्पेलिंग होती है इसकी? यू ई। अच्छा अच्छा, इसलिए दिया क्या गलत? चलो कोई बात नहीं, अब इसका मतलब आप सही देते अगर मैं सही लिखता तो, है ना। चलो ब्लू, ब्लू इसमें दोनों में है ना। अब ब्लू दोनों में, तो ऐसे बताओ इन दोनों में कौन सी चीज है? ऊपर वाली लाइन में नीचे वाली में क्या मिल रहा है? 8 मिल रहा है। इसका मतलब है ब्लू अगर दोनों में है तो ब्लू का कोड क्या रहेगा? दोनों में 8। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? 8। तुमने तो क्या बताया था? 6 बताया था कि 9 कैसे बताया था? 9 कैसे आएगा बता? मीनिंग गलत लिख देंगे, ठीक है। फिर चलो कोई बात नहीं है, मैं अगला सवाल पूछता हूँ और आप बता देना। इसमें तो समझ में आ गया सबको भैया? आपको समझ में आ गया? नहीं आया ना, नहीं आया ना, एक बार वापस बताता हूँ, आपका चेहरा देख के बता दूंगा कि आपको समझ में आया नहीं आया। फिक्स है, मेरी जहां तक नजर जाएगी ना, मैं फिक्स बता दूंगा कि इस लड़के को समझ में नहीं आया। अब ध्यान रखना, आपसे किसका कोड पूछा है? ब्लू का। पहली बात तो दिमाग से निकाल देना कि आप सब्जेक्ट कठिन पढ़ रहे हो। दूसरी बात है, ये वो सब्जेक्ट है जिसमें क्लास में सब कुछ हो जाता है, ना कि घर जा रट्टा की जरूरत नहीं है। ब्लू इसमें ब्लू है ना, इस लाइन में ब्लू है, इसमें भी ब्लू है, तो दो जगह ब्लू है, तो इसका कोड भी दो ही जगह होगा। अब इस लाइन में और इस लाइन में कौन सी चीज है जो दोनों में मिल रही है? तो हमको पता है सर, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। 4 इसमें तो है लेकिन 4 इसमें नहीं है। सर 1 इसमें लेकिन 1 इसमें, इसमें दोनों में क्या मिल रहा है? 8। और इसी प्रकार दोनों में क्या मिल रहा है? ब्लू। इसका मतलब है ब्लू का कोड क्या हो जाएगा? 8। क्लियर है मैटर? साफ सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा, फिर बताना आपकी बार। लिख लो इसको। ओके, दो सौ तिरपन का कोड है बुक्स आर ओल्ड। पांच सौ छियालीस का कोड है मैन इज ओल्ड। तीन सौ अठहत्तर का कोड है बी यू आई बाय गुड बुक्स। क्या अब पूछूंगा? अभी पहले से कैसे बताएंगे? बिना पूछे आंसर कैसे बताएंगे? पूछूंगा तो सही, किसका कोड बताना है? पहले बता रहे हैं ए आर ई, इसका कोड बताओ। हाँ, दो। समझना, ए आर ई का कोड बताना है। क्या इसमें ए आर ई है? आर इसमें नहीं है, तो इसमें तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते।
इसमें ए आर ई है क्या? तो इसमें से इसका आंसर नहीं हो सकता। इसमें ए आर ई है क्या? है। तो अगर इसमें ए आर ई है यानी कि ऊपर वाली लाइन में आर है सिर्फ ए की जगह, न तो इसमें है न इसमें है, तो इसका कोड भी इन्हीं में से होगा। दो हो सकता है, पांच हो सकता है क्या? पांच नहीं होगा, क्योंकि पांच सर दो दो जगह है, पांच इसमें भी है पांच इसमें भी। अगर आर का मतलब पांच होता तो इसमें भी पांच है तो फिर इसमें भी आर होना चाहिए ना? नहीं आई समझ में? इसमें तीन है ना, तीन तो इसमें भी है। अगर दोनों में तीन है तो दोनों में आर होना चाहिए था। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, दो की अगर हम बात करते हैं तो दो सिर्फ इसी जगह है, दो इसमें भी नहीं है, दो इसमें भी नहीं है। इसका मतलब दो ए की जगह है, दो भी ए की जगह है और आर भी ए की जगह है। इसका मतलब है कि आर का कोड क्या हो जाएगा? दो। आई कुछ बात समझ में? पीछे वाले आया समझ में? क्लियर है मैटर? तो इसका मतलब है, अब मुझे और आगे बताना, अगर मैं और भी चर्चा करता हूं, देखो इसी क्वेश्चन में आपसे और बातें भी पूछ लेता हूं। आप मुझे ये बताओ बुक्स का कोड क्या होगा? इसी क्वेश्चन में समझो बुक्स का कोड क्या होगा? तीन। देखता हूं क्या पता सही है गलत है। इसमें बुक्स है, इसमें बुक्स नहीं है, इसमें बुक्स है, दो जगह बुक्स है, एक तो इसमें बुक्स है और एक इसमें बुक्स है, यानी ऊपर की लाइन में और नीचे की लाइन में दोनों में बुक्स है, तो इसका कोड भी दोनों जगह मिलेगा। अब ये बताओ इन दोनों में क्या मिल रहा है? तीन। तीन इसमें भी है और तीन इसमें भी है। जिस प्रकार बुक्स दोनों जगह है, ऊपर की लाइन में बुक्स है और नीचे की लाइन में बुक्स है, उसी प्रकार ऊपर की लाइन में तीन है और नीचे की लाइन में तीन है। इसका मतलब पक्की बात है बुक्स का कोड क्या होगा? तीन। नेक्स्ट अगर मैं इसी में और चर्चा करूं और आपसे पूछ लेता हूं कि आप ये बताइए जी डब्लो डी गुड का कोड क्या होगा? अब बताइए क्या होगा भाई? सात बता रहे हैं, चलिए देखते हैं। इसमें गुड है, गुड इसमें भी नहीं है और गुड इसमें भी नहीं है, मतलब नीचे वाली लाइन में गुड है, सिर्फ एक ही जगह गुड है और जगह गुड है ही नहीं, तो उसका कोड भी एक ही जगह मिलेगा। तीन हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि तीन तो सर दो जगह है। अगर आपका गुड एक ही जगह तो उसका कोड भी एक जगह होगा। सात हो सकता, आठ हो सकता है क्या? आठ हो सकता है क्या? और सात? सात भी हो सकता है और आठ भी हो सकता है। इसका मतलब है या तो सात होगा या आठ होगा। अब इसमें आप फिक्स नहीं कर रहे हो इस समय पर सात है या आठ है, तो या तो सात होगा या आठ होगा, तो ऑप्शन भी ऐसे ही आएंगे। सात आ गया, अगले ऑप्शन में आठ आ गया, और अगले में गया सात या आठ, तो फिर आंसर क्या भरोगे बताओ? सात या आठ। इसमें कई बार बच्चे गलती कर देते सात, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में सात देखा भर के आ गया, तो ये सरल बोल आउट करवा सकती है, इनका ध्यान रखना, ठीक है ना? इसका मतलब है इस टाइप के सवाल अब आप बड़े आराम के साथ कर सकते हैं, छोटी सी बात है, ये बड़ी बातें नहीं थी। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन एफ आई एफ टी वाई 50 एफ आई एफ टी वाई 50 50 का कोड है सी ए सी टी वाई सी ए सी टी वाई। हाँ सी ए आर कार, कार का कोड है पी ओ एल पोल, टी ए आर इसका कोड है टी ओ एल, तो टी ए आर आई डबल एफ का कोड क्या होगा? इसका कोड आपको बताना होगा। देखेंगे, ये कहता है कि एफ आई एफ टी वाई 50 को अगर ये बोला जाता है सी ए आर का कोड है पी ओ एल, टी ए आर का कोड है टी ओ एल, तो टी ए आर आई डबल एफ का कोड क्या होगा? टी ओ एल ए सी सी
चलो हाँ भाई बताओ क्या आंसर होगा। चलो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने बताया नहीं बताया वो जो सुनो खास बात, अगर आपको इस प्रकार दो बात दे दे और दो की जगह इसमें तो तीन बात बताइए, पहली दूसरी तीसरी, अगर तीन कोड बता के अगली बात आपसे पूछता है तो इसका मतलब है फिक्स कोडिंग जाएगा ये। तो इसमें आप देखो, इसमें एफ है, इसमें एफ है, डबल बार एफ है ना, तो इसमें डबल बार सी है, इसका मतलब है एफ का मतलब सी है। देखो इसमें ए है, इसमें भी ए है, तो ए का कोड क्या है ओ, और इसमें भी ए है तो ए को क्या लिखा ओ, इसका मतलब ये है फिक्स कोडिंग, फिक्स है ये। फिक्स का मतलब है सर एफ का मतलब सी होता है, आई का मतलब ए होता है, एफ आ गया वापस फिर से देखो सी आ गया, टी है, टी का मतलब इसने टी लिखा और वाई को क्या लिखा वाई। अब इसमें देखो आर है, आर का कोड क्या लिखा एल, तो इसमें भी आर है वापस एल लिखा, क्लियर है। अब आप बताओ टी का कोड क्या होगा, टी यहां से देख लो टी का कोड क्या होगा टी, अगर आप ऊपर से देख लेंगे तो टी का कोड इसमें भी क्या होगा टी, इसका मतलब ये तो बात सही है टी की जगह तो हम टी लिखेंगे। बताओ मुझे ए का कोड क्या होगा ओ, यहां से देख लिया ए का कोड है ओ, अगर कोई यहां से देख लेता तब भी ओ ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है टी ओ। आर का कोड क्या होगा भाई, आर का सर एल है, इसमें भी आर का एल है तो इसका मतलब एल हो गया। इसके बाद में यह एफ है, इसमें भी एफ है, डबल बार एफ, आई रह गया क्या, आई का कोड बताओ क्या है, आई का कोड यहां से देख लो ये आई है तो आई का कोड होगा ए। इसके बाद में डबल एफ है तो डबल एफ, एफ का कोड क्या होता है सी, तो एफ का कोड सी है और डबल एफ है तो डबल सी, तो ये इस सवाल का राइट आंसर होगा। आ गई बात समझ में, इस टाइप को बोलते हैं फिक्स कोडिंग। आप टाइपों पे ध्यान मत दो, टाइपें होती नहीं रीजनिंग में, ये तो कुछ चीजें होती है जो किताब वाले लिख देते हैं, रीजनिंग में कोई टाइप नहीं है। रीजनिंग कहती है मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, रीजनिंग का अंत ही नहीं है, ये कुछ भी बात कर सकता है। ये तो किताबें में तो मोटी मोटी बातें लिखी होती है कि भाई हमें ऐसे, रीजनिंग का मतलब आप में दिमाग है, आप इंटेलिजेंट है तो सवाल हल कर लीजिए वरना बैठे रहिए। तो इसमें आपको यहाँ पे ये सीखना है, अगर ये एक ही बात बताता और फिर तुरंत इस बात को पूछता तो इसका मतलब है कुछ और बीमारी है, लेकिन अगर एक बात बताई, दो बात बताई, दो बात बता करके तीसरी बात आपसे पूछे तो फिक्स ही समझ लेना कि फिक्स कोडिंग है ये। इसमें तो दो क्या तीन तीन बात बताइए, जितनी ज्यादा बात बताएगा उतना ही सवाल सरल हो जाएगा, यानी कि वो फिक्स कोडिंग में चले जाएगा। तो ये सवाल क्लियर है सब बच्चों के बीच, क्लियर है भैया, ओके लिख लो। हाँ नेक्स्ट लिखो, आर ओ एस ई लिखो रोज, इसका कोड है 6821 6821, सी एच ए आई आर, सी एच ए आई आर चेयर, इसका कोड बताया है 7345 6 7 3 4 5 6, पी आर ई ए सी एच, पी आर ई ए सी एच, इसका कोड है 9614 73, तो एस ई ए आर सी एच का कोड क्या होगा, एस ई ए आर सी एच सर्च, सर्च का कोड क्या होगा। अब इसका कोड हम लोगों को बताना होगा, क्या 21 ठीक है 21 46 73 देखते हैं। हाँ सभी लोगों को करना है भाई, इक्कीस छियालीस तिहत्तर बलराज, सही है।
आपने कर लिया? बताएंगे, आपने किया? हाँ भैया, यार इसका आंसर नहीं आया तो बहुत बड़ी बात है, तेरा आंसर तो आना चाहिए था, ठीक है ना? तेरा गलत कैसे हो गया ये? अरे आएगा तेरे को, आता है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, समझो, सुन मेरी बात। इसमें तीन बात बताई है ना, अगर तीन कोड, तीन तीन लाइन खुद बता दे तो फिक्स कोडिंग है। ये तो तीन बता रहा, मैं यूं कह रहा हूं दो लाइन भी बताएगा ना और तीसरी बात पूछेगा तो भी फिक्स कोडिंग में जाएगा सवाल। इसमें आर है, आर और जगह कहां है बताओ? यहां पे आर है ना, तो आर का कोड क्या है? छ। अब इसमें भी आर है तो आर का कोड क्या है? छ। मतलब आर का छ है, ओ का आठ है, एस का दो है, ई का एक है, कुछ नहीं है इसमें। इसमें पढ़ने वाली बात ज्यादा ही नहीं कुछ। और देखो इसमें ए है तो ए का कोड क्या है? चार। अब इसमें भी ए है ना, तो ए का कोड देखो ना, इसमें भी क्या है? चार है। तो इस बात से ये पता लग जाता है कि ये फिक्स कोडिंग है। ए की बात से पता नहीं लगेगा, तुम ऐसे नहीं आर का छह होता है ऐसे कैसे मान लेंगे आर का, क्या पता छह नहीं हो? तो यहां पे जांच करना होगा कि सर इसमें आर है और आर का छह है, इसके लास्ट में आर है, इसके लास्ट में छह, दोनों में बात मिल गई है, इसका मतलब पक्की बात है यह फिक्स कोडिंग में जाएगा। अब आप मुझे देख के बताएंगे, एस एस ये बैठा तो एस का कोड क्या हो जाएगा? दो। ई ई का कोड क्या होगा भाई? एक। ए ए ये बैठा तो ए का कोड क्या होगा? चार। आर आर का कोड क्या होगा? छ। सी सी कहां पे? सी यहां पे है और सी का कोड क्या होगा? सात। अगर सी यहां से देख लेंगे तब भी सात ही होगा। एच एच का कोड कहां पे है? एच ये रहा सर, और एच का कोड क्या होगा? तीन। तो ये ही हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। आ गई बात समझ में? ये तो आना चाहिए था सीधा, ये कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इस टाइप को हम क्या बोलते हैं? फिक्स कोडिंग। क्या बोलते हैं भाई? फिक्स कोडिंग। आप मुझे बताओ इसको फिक्स कोडिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि फिक्स है। फिक्स क्या है? आर का फिक्स है छह, ओ का फिक्स है आठ, एस का फिक्स है दो, ई का फिक्स है एक, याद कर रहे हैं फिक्स कोडिंग। अरे फिक्स है यार भैया, फिक्स कोडिंग तो बोलेंगे और क्या बोलेंगे उसे, राइट? 21, 46, 73 आप दोनों ने बताया था, बाकी लोगों ने नहीं बताया। नेक्स्ट लिखिएगा, ए डी वी ई एन वी ई एन, अच्छे से लिखना स्पेलिंग, टी यू आर ई, और इसका कोड बताया है बी एफ वाई, बी एफ वाई आई एस जेड बी जेड एन, तो सी ओ यू एन टी आर वाई का कोड क्या होगा? सी ओ यू एन टी आर वाई। कंट्री का कोड क्या होगा? और कोई बताएगा? सभी को बताना भाई, ऐसा नहीं कि दो बच्चे बता रहे हैं।
हाँ भाई, क्या हुआ? आपको नहीं आ रहा? आपको भी नहीं आ रहा? अच्छा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है क्या सवाल में? तुमने कर लिया? क्या बताया? डी पी हाँ USZ। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो इसका मतलब पता नहीं आप लोगों ने क्यों नहीं बताया। कौन सी कोडिंग है? फिक्स नहीं है। देखो ये क्या बोल रहे हैं सर, आप अभी ये बोल रहे थे कि अगर एक बात बता दी, दो बात बता दी और तीन बात बता के फिर आपसे पूछे, इसका मतलब कौन सी कोडिंग है? फिक्स कोडिंग। सर आप अभी कह रहे थे अगर दो बात बता के भी अगर कोई बात पूछता है तो भी फिक्स कोडिंग में जाएगा, लेकिन इसने अंदाजा लगाया कि इसमें तो एक ही बात बताई जा रही है और जस्ट अगले का पूछ ही रहा है, तो ये शायद फिक्स कोडिंग नहीं है। और चलो देखते हैं, अगर फिक्स कोडिंग की भी बात करते तो इसमें ए है, इसमें और जगह ए है क्या? डी और जगह नहीं है, कहीं पे भी कोई स्पेलिंग नहीं मिल रही, अलग अलग है सब, तो ऐसे कैसे? देखो इसमें यहां बी है, यहां पे भी बी है, इसमें दो बार बी है ना, एक मिनट, आगे बी, यहां पे बी, तो इस बी का मतलब क्या है? ए। तो फिर इस वाले बी का मतलब भी तो ए होता ना, यहां तो ए है ही नहीं। अगर आप समझदार नहीं है ना तो आपके लिए एक इलाज है, अगर एक बात ये बताए और अगली बात पूछे ना तो फिक्स कोडिंग तो हो ही नहीं सकता। अब फिक्स कोडिंग तो जब लगता है प्यारे विद्यार्थी, वो दो दो तीन तीन बात बता के और तीन बात बता के फिर पूछा तो 100% ही फिक्स कोडिंग है। अगर दो बात बता के तीसरी बात पूछेगा तब भी फिक्स कोडिंग में ही जाने की पूरी पूरी संभावना रहती है, लेकिन या तो एक ही बात बताइए तो फिक्स कोडिंग नहीं है, तो समझो ये एक नंबर पे आता है और ये बी दो नंबर पे आता है, तो एक प्लस कर दिया इसने, प्लस किया यानी क्या, प्लस का एक कर दिया। ये कितने नंबर पे आता है? डी चार नंबर पे आता है एबीसीडी में, और ये छह नंबर पर। तो आप समझो कि जब ये डी चार नंबर पे आता है और एफ छह नंबर पे आता है, इसने दो प्लस कर दिया, ये वी आता है ब्लेज जाएंगे 22 को, और ये वाई कितने नंबर पे आता है बताओ? ये 22 नंबर पे आता है और ये वाई कितने नंबर पे आता है? 25 पर। तो 22 से 25 कितने आगे बढ़ा? इसका मतलब तीन अगली संख्या लिख दी, तीन जोड़ दिया। ये ई ई कौन से नंबर पे आता है? 5 पर। और आई आई 9 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, तो ये 5 और ये 9 है, कितना जोड़ा बताइए? 4 जोड़ दिया। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? पहले एक जोड़ना है, फिर दो जोड़ना है, फिर तीन जोड़ना है, इस टाइप से काम करना है। अब बताओ सी में एक जोड़ो, सी के जस्ट आगे कौन आता है? डी। आपकी बात दो जोड़ने, ओ के जस्ट दो आगे, ओ 15 पे आता है भाई, 15 में दो जोड़ो 17, उस 17 पे कौन आता है? क्यू। अब यू होता है ना, यू के तीन आगे बढ़ो, यू 21, 21 में तीन जोड़ो, 21 से 22, 23, 24, बताओ क्या आएगा? एक्स। अब एन, एन में क्या जोड़ना है आपको? 4। पहले में पहला जोड़ना है, इसमें दूसरे में दो जोड़ना है, तीसरे में तीन जोड़ना है, चौथे में 4 जोड़ना है। एन 14 पे आता है, 14 और 4 18, और 18 पे क्या आएगा? आर। इसके बाद में टी, टी 20 पे आता है ना, 20 में 5 जोड़ने, इसमें एक जोड़ना है, इसमें दो, तीन, चार, पांच जोड़ना है, टी यानी 20, 20 और 5, 25, बताओ 25 पे कौन आएगा? वाई। अब आ गया आर, आर में क्या जोड़ोगे बताओ? क्या जुड़ेगा आर में? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आर में 6 जुड़ेगा, आर 18 पे आता है, 18 और 6 24, 24 पे कौन आता है? एक्स। अब एक और रह गया ना भाई, वाई, वाई में क्या जोड़ेंगे बताओ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जोड़ेंगे वाई में, वाई 25, 25 में 7 कैसे जोड़ेंगे? हाँ, वहां 25 में एक जोड़ते हैं, 26 पे जेड हो जाएगा, फिर 6 पे आ जाएगा, तो एफ आएगा। ये आई बात समझ में? तो ये समझना होगा, ये हर बोल अलग अलग डालने की कोशिश करेगा आउट करवाने के लिए, लेकिन इसमें आप ये समझ लेना अगर दो बात या तीन बात दे करके फिर पूछता है तो टेंशन नहीं लेना, फिक्स कोडिंग में जाएगा। और एक ही बात बता के पूछ ले
तो होशियार रहना, हो सकता है प्लस कर रखा हो, और जरूरी नहीं है ये रीजनिंग में ऐसा नहीं सर एक दो जोड़ने हैं क्या, नहीं हो सकता है घट जाए, जरूरी नहीं एक दो जोड़े, हो सकता है इसमें एक जोड़ा, इसमें भी एक जोड़ा, इसमें भी एक जोड़ा, इसमें भी एक जोड़ा, इसमें क्या क्या हो सकते हैं जो एक ही बार में समझ लो, ये जोड़ भी सकता है और ये घटा भी सकता है, भाग भाग तो नहीं लगेंगे, लेकिन इसका फिक्स नहीं कभी एक हो सकता है एक जोड़े, हो सकता है दो 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 जोड़ दे, हो सकता है पहले एक जोड़ दे फिर दो घटा दे फिर तीन जोड़ दे फिर तीन चार घटा दे, जोड़ने का और घटाने का काम होता है। तो आप पहले से ही समझ लेना इसमें ए है और इसमें बी है, कितना जोड़ा एक, फिर एक बात और देखो यहां पे है चार और ये है छह, फिर कितना जोड़ा दो। अब आपको समझ में आ गया पहले एक जोड़ा था फिर दो जोड़ा फिर तीन जोड़ा, तो हम अपने आप ही समझ गए इसका मतलब आगे चार जोड़ेगा आगे पांच जोड़ेगा आगे छह जोड़ेगा और ये कितना बड़ा सवाल है इसमें सात तक जोड़ा गया है। आ गई बात समझ में, लिखो। हाँ भाई धर्म सिंह, राम राम, ज्योति कंवर, सतवीर, कृष्णा, हटा दे देखो हर बॉल अलग अलग प्रकार की आएगी, इसलिए ऐसे खिलाड़ी बनो जो हर बॉल खेल पाए। अगला सवाल आपके पेश करते हैं आपके सामने, एफ ओ आर जी ई टी फॉरगेट, इसका कोड बता रहा है डी डबल पी एच सी और यू, तो हमें बताना है डी ओ सी टी ओ आर डॉक्टर का कोड क्या होगा। मैं नहीं बताऊंगा आप ही बताएंगे डॉक्टर का कोड क्या होगा। हाँ भाई बताओ डॉक्टर का कोड क्या होगा। मॉर्निंग में लगती है 7:30 से। क्या बी पी ए यू एम एस, हाँ है तो सही ऑप्शन आपका, बिल्कुल ऑप्शन में है भाई ऐसा। बलराज वेरी गुड, नहीं आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं आ रहा तो सुन लो। ओके रुक जाओ, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, जिन्होंने बता दिया बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं बताया उनको और ज्यादा धन्यवाद। अब मैं इस सवाल को हल करके बता दूंगा, एक दो और बता दूंगा, इसका मतलब यह नहीं कि आप परीक्षा में बैठ के सवाल हल कर लोगे, नहीं होगा फिर भी आप हल। तो ऐसा हम क्या करें जो एग्जाम में हल करें, क्योंकि ये थोड़ी आएगा परीक्षा में, तो उसके हिसाब से पूछेगा। लास्ट वाला भैया, तो अब यहां से निशाना साध रहे हैं एग्जामिनर पर, तो सुनना उसका दिमाग पकड़ रहे हैं हम। इसने बोला कि भैया इसका कोड ये होता है, एक बात बता दी और अगली तो आपसे पूछ ही ली,
अरे भैया उसने एक बात बता दी, अगली तो आपसे पूछ ही रहा है, तो गारंटी है फिक्स कोडिंग तो हो ही नहीं सकता। तो सर फिर क्या होगा, या तो एक जोड़ रहा होगा या तो 50 जोड़ रहा होगा। 50 जिंदगी में नहीं जोड़ेगा, 50 जोड़ लेगा क्या, जीवन में नहीं जोड़ेगा। और 50 जोड़ेगा तो तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो सर क्या करेगा, वो जानता कि 20-50 नहीं जोड़ने, वो एक दो जोड़ता है। अब आप में से आपसे एक आदमी नहीं जोड़े घटे, जब तो आप कोई काम के नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको एक दो भी जोड़ना नहीं आता। इसमें बेईमानी क्या करेगा, एक जोड़ा फिर एक जोड़ा फिर एक जोड़ा, एक एक जोड़ेगा, फिर आगे अगला सवाल पूछेगा, दो जोड़ सकता है, तीन जोड़ सकता है, ऐसे भी कर सकता है, पहले एक जोड़े फिर दो जोड़े फिर तीन जोड़े फिर चार जोड़े, ऐसे भी कर सकता है, एक घटाओ फिर दो घटाओ फिर तीन घटाओ फिर चार घटाओ, ऐसे भी कर सकता है, एक घटाओ दो जोड़ो, एक बार घटाए जोड़े, जोड़ और बाकी आएंगे। लेकिन मिक्सर भी आ सकता है, सवाल कठिन करे, एक बार तो जोड़ देगा फिर घटा दिया, फिर एक बार जोड़ दिया फिर घटा दिया, ऐसा भी खेल कर सकता है। लेकिन इनके अलावा कुछ नहीं होता है, तो आपको घबराने की जरूरत कहां है। चलो देखते हैं, एफ आता है प्यारे विद्यार्थी 6 नंबर पर, ठीक है सर, और डी आता है 4 नंबर पर। इसका मतलब यहां 6 है और यहां 4 है, इसने किया है माइनस का 2। हम अब हल नहीं कर सकते, आगे भी पढ़ेंगे आगे क्या हो रहा है। सर ओ आता है 15 नंबर पर, ओके, और पी आता है 16 नंबर पर, अच्छा आपकी बार 15 के बाद में 16, अब की बार इसने एक जोड़ दिया है। सर आर की बात करते हैं तो आर 18 नंबर पे आता है और पी आ गया फिर से 16 नंबर पर, ये 18 है ये 16 है, बताओ दो जोड़ा या घटाया, घटा दिया। अब आप तीन बार ही हल करना, ज्यादा नहीं, अब आप समझ जाओ, दो घटाओ फिर एक जोड़ो फिर दो घटाओ और फिर एक जोड़ो को देखा, आगे बताओ। जी 7 नंबर पे आता है और एच 8 पे आता है, बताओ एक जोड़ा या नहीं जोड़ा। इसका मतलब सीरीज क्या चल रही है, दो घटाओ एक जोड़ो, दो घटाओ एक जोड़ो, दो घटाओ एक जोड़ो। अब सबसे पहले घटाने की बात करूंगा, अब मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ डी से दो पहले क्या आता है। डी 4 नंबर पे आता है ना, 4 में से 2 घटाओ, बी आ गया, बिल्कुल सही है। ओ कितने नंबर पे आता है, ऑफिस जाऊंगा 15 को, 15 में एक जोड़ो 16, और 16 पे क्या आता है, पी, पेप्सी पीऊंगा 16 को। सी, सी में से 2 कम करो, ए आएगा सी से 2 पहले, इसमें ये चौथे नंबर का है ना, क्या करना है, 1 2 3 4 प्लस का ही करना है, 20, 20 में एक जोड़ो, यू, युवा होता है 21 का। अब की बात दो घटाने, 15 है ये ओ, यानी 15, ऑफिस जाऊंगा 15 को, 15 में से 2 घटाओ 13, और 13 का मतलब मेरा और मेरा यानी 13, आर यानी 18, इसमें एक जोड़ो, आर के जस्ट आगे कौन आएगा, आर के बाद में एस, ये उत्तर है इसका, आई समझ में। अब आप ध्यान रखो इसी बात से कि परीक्षा में जो सवाल आएगा उसमें एक दो जोड़ रखे होंगे, या पे जोड़ रखा होगा या घटा रहा होगा, ऐसा नहीं आएगा 50 जोड़ो भैया 8 जोड़ो, ऐसा थोड़ी होता है, 1 2 3 4 बस। लेकिन जोड़ भी सकता है घटा भी सकता है और मिक्स भी कर सकता है, जोड़ घटाने का दोनों ही काम इसमें भी कर सकता है। समझ गए इसको, समझ गया भैया, अब मैं पूछूंगा, कोशिश करना बताने की। आंसर लिख लो उसका, बी पी ए यू एम एस, और इसी के साथ में इन बातों को लिखा करो। मेन बात यह है, इस बात से पता लगता है कि भाई पहले माइनस दो फिर प्लस एक, फिर माइनस दो प्लस एक। नेक्स्ट क्वेश्चन आर ओ एस ई रोज, रोज का कोड है टी क्यू यू जी, टी क्यू यू जी, बिस्कुट बी आई एस सी यू आई टी, बिस्कुट, बिस्कुट का कोड क्या होगा। कमल गुड मॉर्निंग, गोविंद, गजेंद्र,
क्या डी के नहीं नहीं ऐसे नहीं बताएंगे, ऐसे बताओ सर प्लस माइनस क्या करना है। प्लस दो फिर आगे, अच्छा सभी में प्लस दो, सभी में प्लस दो है क्या? मतलब सरल सवाल है और कठिन क्या कर सकता है, कभी प्लस दो कर दे फिर माइनस दो कर दे कभी प्लस कर दे, तो आपको ज्यादा नहीं तीन अंकों तक देखना है। चलो देखते हैं क्या पता क्या है। आर 18 नंबर पे आता है और टी 20 पे आता है, सही बात है सर प्लस का दो है। प्यारे विद्यार्थी ओ 15 पे आता है और क्यों 17 पे आता है, अच्छा इसमें फिर से प्लस दो आ गया। अब दोनों को चेक करके अगर उत्तर दे दिया ना तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना ये बहुत चालाक है। तीन बार देखना, इसमें बेमन प्लस दो कर दिया ना, अब हो सकता है आगे प्लस तीन कर दे, तीन अंकों तक तो देखना ही है आपको। एस कितने नंबर पे आता है 19 पर और यू 21 पर, अब की बार भी प्लस दो। अब बात फिक्स हो गई है कि हर अंक में आपको प्लस दो करने हैं। बी में दो जोड़ो डी, बी के दो आगे डी, आई आई यानी नौ, नौ में दस ग्यारह के, एस यानी 19, 19 और दो 19 और दो 21 यानी यू 21 का, सी सी में तीन, तीन और दो पांच क्या आएगा भाई ई, और यू यू 21 का होता है, 21 में दो जोड़ेंगे 23, 23 का मतलब वेट करना 23 को। आई 9 नंबर पे आता है और 9 में जब दो जोड़ेंगे तो 11 और 11 में क्या आता है के, लास्ट में और रह गया टी यानी 20, 20 और दो 22, 22 पे क्या आएगा विलेज जाएंगे 22 को, विलेज जाएंगे 22 को, ये इसका आंसर है। कर लिया क्या इसको, कर लिया ओके। चलो आज के लिए इतना ही है, इसी प्रकार रीजनिंग तो मनोरंजन की तरह पढ़ लेना, कोई इसमें टेंशन नहीं ले जाए, बहुत आसान है ये सब्जेक्ट। अब पढ़ेंगे मैथ्स, आप लोग एक ध्यान रखें, जो भी विद्यार्थी इसमें मैथ्स के लिए आपको क्या करना होगा, राजधानी क्लासेज की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूँ ये एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। अब डाउनलोड होने के बाद में मैं यहाँ जो आपको पढ़ाऊंगा वो क्वेश्चन आपको काम मिलेंगे, तो ये कोने कोने पे ऐसे हाथ लगाएंगे, एक बार लगाया उसके बाद में दूसरी बार लगाओ इसी जगह। अब ये आ गया नोट्स, अब आपको मैथ का नोट्स देखना है तो यहाँ पे आ गया मैथ्स, तो मैथ्स की पीडीएफ इसमें, तो जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ लिखाऊंगा वो आपके पास इसमें से देख के आप पढ़ सकते हैं। तो सवाल यहाँ, हालांकि मैं तो सवाल खुद ही बोर्ड पर लिखता हूँ, जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी घर पे जाके देख सकते हैं क्योंकि सवालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, आधे मैं कराऊंगा और आधे सरल सवाल आप करेंगे, जो कठिन होंगे वो तो मैं ही बताऊंगा, लेकिन जैसे अब इसी ये पढ़ लिया अब इसके जैसे चार सवाल आपको करने पड़ेंगे, जब भी तो कुछ सीख पाओगे आप, पूरे में बता दूंगा तो आप क्या सीखेंगे। तो ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ के माध्यम से आप घर जाके बढ़िया ढंग की कॉफी में बढ़िया होमवर्क करना, राइट। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, मैथ्स की बात करते हैं आपके बीच। पहली प्रश्नावली हम पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तैयार है सब लोग, पहले कुछ चीज सिखाऊंगा उसके बाद आगे बढ़ूंगा, समझना। अगर मैंने पॉइंट एक के ऊपर वार लगा दिया इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक 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 बार बार आता ही जाएगा, और जब बार 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 आता तो इसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है वार,
और प्यारे विद्यार्थियों अगर वार हटाते तो इसके नीचे लगा दिया जाता नो, यानी कि एक बटा नो। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जैसे आपने चार में नो का भाग दिया तो भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगेगा तो जीरो आ जाएगा, फिर नो का भाग देंगे नो चौका 36, फिर से चार आ गया, पॉइंट तो एक ही बार लगता है बार बार नहीं, फिर से भाग नहीं जाए तो जीरो लगा लो, फिर से नो चौका देंगे 36, फिर से चार आ गया, फिर से भाग देंगे नो चौका 36, मतलब बार 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 चार ही आता जाएगा। और अगर बार 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 चार आता है तो इसके ऊपर लगा सकते हैं वार, और इसका मतलब होता है 4/9। यहां पे ये बात हमने सीखी है। अब आप मुझे बताओ अगर मैं 2/9 लिख देता हूं तो इसमें भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे तो 2 आएगा, फिर से बार 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 2 आता ही जाएगा, और अगर बार बार 2 आता ही जाएगा तो इसका मतलब 2 के ऊपर वार है, और इसका मतलब होता है 2/9। सभी विद्यार्थी एक बार फिर से बोर्ड पे ध्यान दे, अगर मैं आपसे 3 में 9 का भाग देने के लिए बोलता हूं इसका मतलब सर ये है पॉइंट 3 3 3 3 3 बार बार आता जाएगा, और इसका मतलब है 3 के ऊपर वार, 100 बात की एक बात है, मतलब ये था 3/9। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहता हूं कि पॉइंट 4 के ऊपर वार, इसका मतलब आप समझ गए हैं कि ये बार 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 4 आता ही जाएगा, और इसका मतलब लास्ट में फाइनल है 4/9। क्लियर है मैटर? अब अगर मैं इसी में आपसे सवाल पूछ लेता हूं और मैंने आपसे बोल दिया कि 0.4 × 0.5, बताओ इसका मान क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा? तो बता सकते हो क्या आप? बोर्ड पे ध्यान रखिए, 4 के ऊपर वार का मतलब है 4/9, और इसका मतलब क्या होगा भाई 5/9। तो 4 × 5 करेंगे तो 4×5 = 20, और 9 × 9 करेंगे तो 81। तो हमारे सवाल का राइट आंसर क्या होगा भाई? 20/81। ऐसा आंसर मत दे देना तुम कर सोचो यार 4×5 = 20 है गुरुजी, ये लो 20। हाँ कहीं कोई बहुत ज्यादा होशियार है, गुणा तो हम यूं ही कर लेते हैं, 4×5 = 20 होते हैं, बेहोश हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता गुणा, इसमें बात है कुछ न कुछ, तभी तो बात है ये। फिर से ध्यान रखना, अगर मैं आपसे यूं कहता हूं कि भैया ये 0.17 है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 17/99। जितने अंकों पे वार होगा ना उतने ही 9 आएंगे। एक बार वापस समझो, अगर मैंने बोल दिया 256 और इसके ऊपर वार है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा सर 256 तो लिख लेंगे, लेकिन इसमें 3 बार 9 आएंगे। कितनी बार 9 आएंगे? 3 बार। तो नोट करो इसको, दो संख्याओं का योग 40 है,
दो संख्याओं का योग 40 है, उनका गुणा 375 है। उनका गुणा 375 है। उनका गुणा 375 है, उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? नंबर वन ऑप्शन में है 8/75, 1/40, 75/8 और नंबर डी ऑप्शन में 75/4। बताओ, यहां से स्टार्ट है। इस टाइप की बात करेंगे, टाइप नंबर 5। अब समझना ध्यान से, 8/75, 1/40, 75/8, 75/4, इस टाइप के ऑप्शन है। दो संख्याओं का जोड़ 40 है, उनका गुणा 375 है, उनके व्युत्क्रम का जोड़ क्या होगा? तो ध्यान रखिए, दो संख्याओं का जोड़ 40 है तो हमारी संख्या ही मालूम नहीं, तो हमें संख्या को एक मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं बी। एक संख्या ए है, एक संख्या बी है। अभी कहता कि सर इनका जोड़ 40 है, ठीक है, ए प्लस बी यानी इनका जोड़ है 40। आप कह रहे हो कि इनका जोड़ 40 है, तो हमने लिख दिया कि भैया ठीक है, एक संख्या ए एक संख्या बी दोनों का जोड़ 40। फिर आप कहते हैं इनका गुणा 375 है, इसका मतलब आप हमें बता रहे हैं कि ए गुणा बी यानी ए गुणा बी करेंगे तो 375 हो जाएगा। ये बात एग्जामिनर ने बताई है। अब आपसे कहता है इनके व्युत्क्रम का जोड़ क्या होगा, तो बताओ मुझे ए का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/a। व्युत्क्रम का मतलब बताओ उल्टा करना, 5 का व्युत्क्रम 1/5, 500 का व्युत्क्रम 1/500, 10 का व्युत्क्रम 1/10, 2/3 का व्युत्क्रम 3/2, 6/8 का 8/6, 9/4 का 4/9। रेसिप्रोकल व्युत्क्रम का मतलब बताओ उल्टा लिखना, बताओ 55 का उल्टा क्या होता है? 1/55। 58 का व्युत्क्रम 3/4 का, ए का व्युत्क्रम, बी का व्युत्क्रम, एक्स का व्युत्क्रम, हाँ तो बताओ ए का व्युत्क्रम और बी का व्युत्क्रम। अभी हमसे कहता है व्युत्क्रम का क्या बताना है? जोड़। तो ये जोड़ दिया भैया, ये व्युत्क्रम का जोड़ है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे ना, तो ए और बी का एलसीएम क्या आएगा? ए बी। ऐसे ए कट जाएगा, बी बचेगा, और बी को जब एक से गुणा करेंगे तो बी आ जाएगा प्लस, बी से बी कट जाएगा ए बचेगा, ए को एक से गुणा करेंगे तो ए आएगा। अब बी प्लस ए, बताओ मुझे ए प्लस बी का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी का मतलब क्या होता है? चाहे ए प्लस बी हो चाहे बी प्लस ए हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप 3 में 2 जोड़ो चाहे 2 में 3 जोड़ो, आएंगे तो 5 ही। तो बताओ ए प्लस बी का मतलब क्या होता है? 40। और ए गुणा बी का मतलब क्या होता है? क्या होता है भाई? 375। यही उत्तर है। अब ये अगर कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। 375 कट रहा है क्या भाई? ये 5 से काट देता हूं, देखो 5 का भाग देंगे, 5 8 40, 5 का भाग 37 में दे दो, 5 7 35, 2 शेष पल बचेगा, 2 के पीछे 5 लगेगा तो 25 हो जाएगा, और 5 5 25, तो आंसर क्या आएगा बताओ मुझे? 8/75। ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई? ए। ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? एक बार सभी विद्यार्थी वापस समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं समझे तो मेरा पढ़ाने का फिर कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए ध्यान रखें, समझना ही जरूरी है। वैसे दोस्तों एक बात और समझो,
इधर देखना ए भैया, अगर जिंदगी में आपको ये दिख जाए, व्युत्क्रम दिख जाए ना, बोला व्युत्क्रम का जोड़ बताओ, तो डायरेक्ट आप करना यहां से तो लिख देना 40 और यहां से लिख देना 375। अब जैसे ही आपने 375 लिखा, ऊपर 40 आ गया, यही उत्तर है। बस कट रहा है तो काट दो, 5 का भाग देंगे 5 × 40 और 5 का भाग देंगे ना 5 × 7 = 35, 36, 37, ये आ गया, ये तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो गया। अगर तुम इसको याद रख पाते हो कि मेरे को व्युत्क्रम का जोड़ पूछा तो मैं डायरेक्ट ही हल कर दूंगा और सबसे बेस्ट है ये इसका आदेश कंसेप्ट हुआ, मतलब सवाल पढ़ते ही आंसर। रही बात अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, पूरे तरीके से सीखना चाहते हैं, तो समझना एक बार, मैंने एक संख्या को x मान लिया, एक संख्या को मैंने y मान लिया, संख्या एक को x माना, एक को y माना। अब आप कहते हैं कि इनका जोड़ 40 है, ठीक है सर, x और y का जोड़ 40 है, तो हमने 40 लिख दिया। फिर आप फिर से कहने लगे इनका गुणा 375 है। अरे भैया x गुणा y करेंगे जब 375 है, ओके, कहता है इन संख्याओं के व्युत्क्रम का जोड़ बता। प्यारे विद्यार्थी, x का व्युत्क्रम 1/x होता है और y का व्युत्क्रम 1/y होता है, बोला इनका जोड़ बताओ, तो हमने जोड़ दिया, और जब इसको जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम आएगा एक्स वाई, एक्स से एक्स कट जाएगा वाई बचेगा, वाई से वाई कट जाएगा एक्स बचेगा। बताओ मुझे एक्स प्लस वाई का मतलब क्या होता है, 40। बताइए मुझे एक्स गुणा वाई का मतलब क्या होता है, 375। इसमें काटेंगे तो 8/75 आपके सवाल का राइट आंसर आ चुका है। कोई ऑब्जेक्शन, छापिए। दो संख्याओं का योग ए है, दो संख्याओं का योग ए है और गुणनफल बी है, और गुणनफल भी है, उनके व्युत्क्रम का जोड़ क्या होगा। उनके व्युत्क्रम का जोड़ क्या होगा, उनके व्युत्क्रम का जोड़ क्या होगा। क्वेश्चन लिखो, दो संख्याओं का योग ए है और गुणनफल भी है, उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन भी आपके सामने पेश किए जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है 1/a + 1/b, सेकंड ऑप्शन है b/a, और नंबर 3 ऑप्शन में है a/b, और नंबर 4 ऑप्शन में 1/ab। क्या ये वाला बता रहे हो, आपका क्या नाम है, राजीव, कौन सा आंसर होगा। अब सुनना राजीव, अभी जस्ट पहले का जो सवाल था ना, यहां पे तो लिख रखा था 40, और यहां पे क्या लिखा था भैया, एक बार बताना आप मुझे, 375। ये था पहले वाला सवाल, अभी जस्ट अभी पढ़ा है जो, और इसका आंसर क्या था, ऊपर तो लिख दिया 40 और नीचे लिख दिया 375, यही था इसका उत्तर, और काट और दिया तो हमने इसको, काटने के बाद में वो 8/75 आया था, राइट है ना। तो ये ऐसा कैसा ही सवाल है सेम। अब वो एग्जामिनर क्या है, बहुत कलाकार है, वो जानता है कि इस बंदे का गलत कैसे करवाना है, तो उसने सोचा 40/75 तो ऐसे तो सवाल हल कर लेंगे बच्चे, तो उसने जानबूझ के क्या किया, इस योग की जगह ए बोल दिया, योग ए है, और ये जो गुणनफल है ना 375, इसकी जगह बोल दिया बी। अब बोलता है कि भैया इनका योग क्या होगा। अब आपको डायरेक्ट इसकी ट्रिक याद है,
कि सीधा लिख दो, ए की जगह ए लिख दो, सीधा लिख दो ए, सीधा लिख दो बी, ये तुम्हारा आंसर है। तो जिनको याद है वो तो दो सेकंड में कर लेंगे, और जिनको याद नहीं है वो क्या करेंगे देखते हैं, वो क्या करेंगे। जिनको ये शॉर्ट ट्रिक यानी कि ये आरडीएस कंसेप्ट याद नहीं वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि ठीक है बताते हैं, दो संख्याओं का जोड़ ए है तो मैं पहली संख्या मान लेता हूं एक्स, दूसरी को मान लेता हूं मैं वाई। कहता है कि दोनों का जोड़ ए है तो एक्स प्लस वाई यानी कि इन दोनों का जोड़ हो गया ए, इनका गुणा भी है इसका मतलब एक्स गुणा वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बी, ये बात उसने बताई। कहता है कि इनके व्युत्क्रम का जोड़ बताओ, अरे भैया एक्स का व्युत्क्रम एक बटा एक्स होता है और वाई का व्युत्क्रम एक बटा वाई होता है, बोला इनका जोड़ बताइए, हमने जोड़ दिया। जब हम इनको जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई, एक्स से एक्स कट जाएगा वाई बचेगा, वाई से वाई कट जाएगा एक्स बचेगा। अब मुझे बताओ एक्स प्लस वाई का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस वाई का मतलब क्या होता है ए, मुझे आप ये बताओ एक्स गुणा वाई का मतलब क्या होता है बी। तो आपके जो सवाल है उसका राइट आंसर क्या होगा, ए बटा बी, राइट है। वैसे तुम डायरेक्ट कर लेना लेकिन इसको भी नोट करो। नेक्स्ट, दो संख्याओं का गुणा 11,520 है, दो संख्याओं का गुणा 11,520 है, दो संख्याओं का गुणा 11,520 है, उनका भागफल 9/5 है। उनका भागफल 9/5 है, उनका भागफल 9/5 है, दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन में 60, 64, 74 और 70, क्वेश्चन लिखो, दो संख्याओं का गुणा 11,520 है, उनका भागफल 9/5 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। हाँ, सवाल सबने लिख लिया ना, आप ध्यान रखना बोर्ड पे, उमेश बोर्ड पे ध्यान रखो, मैं बताता हूं। उनका भागफल 9/5, गुणा भी बता रहा है, दो संख्या है, हमने एक को माना एक्स, एक को माना वाई, तो ये कहता है कि एक संख्या उसका भागफल 9/5 है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहली संख्या को मान के चला x और मैंने दूसरी संख्या को मान लिया y। अब आप कहना चाहते हैं इन दोनों का गुणा 11,520 है, ठीक है सर, x को गुणा y से करेंगे तो 11,520 आते हैं। और ये यहां पे ये भी कहता है कि इनका भागफल 9/5 है,
भागफल 9/5 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x में y का भाग देंगे तो भागफल आ जाएगा 9/5। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये कहता है दाएं मुड़ो तो दाएं मुड़ जाओ, ये कहता है बाएं मुड़ो तो बाएं मुड़ जाओ। तो मुझे इसने पहले बोला कि सर उनका गुणा 11,520 है। मैंने कहा भैया ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, हम गुणा करके 11,520 लिख लेते हैं। फिर एक बात और बोलता है सर उनका भागफल 9/5 है। मैंने कहा माफ ही की बात मानेंगे, ठीक हम भाग दे देते हैं, एक संख्या को x मान लेते हैं एक को y मान लेते हैं, और जो x माना ना मैंने इसको मैंने बड़ी संख्या माना है क्योंकि बड़ी में ही तो छोटी का भाग लगेगा, तो भागफल 9/5 है, दोनों समीकरण बन गए। अब आगे की बात सुनो, इस 9 को x से गुणा करेंगे ना, सॉरी 5 को x से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 5x, और इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 × y 9y। अब प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना है, इस 5 को इधर ले जाओ, यानी x तो यही रहेगा और 9y भी यही रहेगा, ये 5 यहां से हटा के इसके नीचे लगा दो तो ये x का मान हो गया। हाँ भाई गुणा 5 गुणा कर रहा है तो इधर जर भाग लगेगा, पक्षांतरण होता है ना, इसलिए ये 5 गुणा x है एक तरीके से, तो ये 5 इसके नीचे लग गया तो x का मान आ गया 9y/5। अब इसमें तो क्लियर हो गया, वो तो हो गया काम पूरा। अब ये x है ना, इसकी जगह लिखो x बराबर क्या होता है 9y/5, तो इस x की जगह लिखना पड़ेगा, ये x की जगह क्या लिखना पड़ेगा 9y/5, और ये y है ना, y की जगह y रहने दो और 11,520 की जगह 11,520 ही रहने दो। अब इसको हल करेंगे जब y का मान आ जाएगा, चेक कर रहा हूं मैं आराम से, बोर्ड पे ध्यान रखो तुम, y को y से गुणा करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, और 9 है ना, ये 9 का भाग दे दो इसमें डायरेक्टली, तो देखें 9 × 1 = 9 = 10 = 11 दो बचेगा तो 25 हो जाएगा, 9 × 2 = 18 से 25 की दूरी 7, 7 के पीछे 2 है तो 72 हो जाएगा, ये 72 में 9 का भाग देंगे ना, 9 × 8 = 72 राइट है, तो ये हो गया 1280। तो यहाँ पे देखो 9 से काट दिया, अब ये y गुणा y, y स्क्वायर इसके नीचे 5 भी तो है, 5 पे लिख लेंगे और यहाँ आ गया 1280, इसके नीचे 1 लिख लो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे ऐसे, तो y का स्क्वायर से करेंगे तो ये तो y स्क्वायर हो जाएगा, और 1280 का गुणा 5 से करो तो 1280 का 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 6400, क्या जाएगा भाई 6400 आएगा क्या, मैं गुणा करके बता देता हूं, 10 तो ये लिख लो, 5 × 8 करेंगे तो 8 × 5 = 40 का 0, हासिल का 4, 5 × 2 = 10, 10 × 4 = 14 का 4, हासिल का 1 × 5 = 5, 6400 आया ना, अरे आया ना, मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा था जो बताता हूं, किसी भी संख्या को 5 से गुणा करते हैं ना तो उसका आधा कर दिया करो आंसर आ जाता है। सुन ध्यान से, जैसे आपने मुझे कहा कि सर 16 × 5 करके बताओ, तो मैं गुणा नहीं करता हूं, 16 का आधा कर दो 8, ये उत्तर है। बात को समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे आपने मुझे कहा सर 32 × 5 करो, तो मैं 32 का आधा बताओ क्या होता है, तो ये उत्तर है इसका। मतलब हर जगह कलाकारी करेंगे, गुणा भाग में सब जगह फायदा होगा कुछ ना कुछ। भाई जैसे इसका 128 का आधा करो, 128 का आधा क्या होता है 64, अब मेरे को पता है 64 तो आ ही नहीं सकता, 64 थोड़ी आएगा, क्योंकि भाई 1280 तो खुद ही 1280 तो मैं 0 लगा लूंगा ना पीछे, 6400 में समझ गया 6400 आएगा, हिंट देगा ये, नहीं समझे तो गुणा कर लो 6400 आ जाएगा भाई। अब ध्यान रखो इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा यहाँ, और 6400 का अंडर रूट क्या होगा 80, 80 × 80 करते हैं जब 6400 आता है, इसका मतलब है वाई का मतलब 80 आ गया। अब वाई का मतलब जब 80 आ गया तो इस सवाल की किसी भी जगह पर वाई की जगह 80 लिख दो, आंसर आ जाएगा इसका, तो हमारे को पता लग गया कि वाई का मतलब तो हो गया 80। अब यह वाई का मतलब 80 है तो ये 9y/5 है, इसकी जगह 80 लिख दो, देखो ये एक्स है और ये 9 है और ये y है, y का पता है कि y का मतलब 80 होता है तो इस y की जगह हम 80 लिख देंगे, 80 और बटे में कौन है 5, 5 का भाग देंगे 16 × 5 = 80, 16 × 9 करो, बताइए 16 × 9 करेंगे जब क्या आएगा, 16 × 2 = 160, 160 में से 16 कम कर लो 144, तो ये पहली संख्या 144 है और दूसरी 80 है, क्या बताना है इन दोनों का अंतर, तो बताओ 144 में से 80 घटाएंगे तो क्या आएगा, अंतर आ जाएगा, बताओ क्या आएगा,
क्या है क्या बोलो 64, इसका आंसर है 64। आई बात समझ में? एक बार वापस बताऊं, सुनो, एक बार वापस बता देता हूं, ध्यान दो। सुन भैया, इनका भागफल 9/5 है, इसका मतलब भागफल 9/5 है, इसका मतलब पहली संख्या 9 है और दूसरी संख्या 5 है। पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या 5 है। अब मुझे बताओ, पहली संख्या 9, दूसरी संख्या 5 है, तो इन दोनों का अंतर क्या है? 9 में और 5 में क्या अंतर है? अरे आपसे अंतर पूछ रहे हैं, अंतर 9 में और 5 में कितने का अंतर है? तो 4 का भाग जाएगा इसके आंसर में। दे लो कौन सा, ये लो। लेकिन अब बात फंस गई सर, 60 में भी जा रहा है, ये रहा ना 60, जा रहा है कि नहीं जा रहा? अगर ये मैं सीधा ही कर देता आंसर, क्योंकि उसका डिफरेंस गारंटी इसके डिफरेंस को डिवाइड करेगा। लेकिन अगर हम ये भी जानते, अगर एक ही ऑप्शन में ऐसा होता जिसमें 4 का भाग लग जाता, तो सीधा ही कर लेते। इसने कहा कि उनका अंतर क्या है, अब पूरी डिटेल से समझना। एक संख्या x है, एक संख्या y है, इसका भागफल 9/5 है, तो ये 9/5। अब यहां पे इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 9y, तो ये 9y। प्यारे विद्यार्थी, x को यहीं रहने दो, 9y को यहीं रहने दो, 5 को इसके नीचे लगा दो, तो ये हो गया x का मान, हो गया 9y/5, x का मान आ गया। ये कहता है कि सर इनका गुणा 11520 है। ठीक है सर, हम x गुणा y करेंगे तो 11520 आने चाहिए। हमें पता है कि x का मतलब ये होता है, तो इस x की जगह पर हम लिखेंगे 9y/5, तो इस x की जगह हम लिख रहे हैं 9y/5, और ये आपका गुणा y की जगह y, और ये 11520। प्यारे विद्यार्थी, 9 का भाग इसमें देंगे तो इसमें भाग देंगे तो ये 1280 बार जाएगा। y को y से गुणा करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर बटे 5 बराबर 1280। अब इसको ऐसे गुणा करेंगे ये, तो 1280 गुणा 5 हम करेंगे तो ये हो जाएगा 6400। अब 6400 होने के बाद में इसका जो स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाता है, और 6400 का वर्गमूल होता है 80, यानी 80 को 80 से गुणा करते तो 6400 आते हैं। अरे आप यूं भी तो जानते हैं 8 × 64 होता है, तो y का मान आ गया 80, एक संख्या तो आ गई। अब इस सवाल के किसी भी जगह पे y की जगह 80 लिख दो, y की जगह 80 लिख दो, x का मान आ जाएगा, चाहे कहीं भी लिखो। सर हम इसमें लिख सकते हैं कि खूब लिखो, कहीं पे लिखो, आपकी मर्जी पड़े जहां लिखो। तो देखो यहां पे लिखा 5x बराबर 9y, क्या था यहां पे 5x बराबर 9y, इसमें लिखता हूं मैं, इसमें लिखूंगा y की जगह 80, तो ये y है, इसकी जगह मैं लिख देता हूं 80, और 5 की जगह 5, x की जगह x, 5 का भाग इस 80 में देंगे तो 16 बार जाएगा, और 16 × 144, तो एक संख्या 144 है, एक संख्या 80 है। अब आपको दोनों संख्याओं का अंतर बताना है, तो 80 में और 144 में कितने का अंतर है भैया? 64 का। तो यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, लिख लो। दो धनात्मक संख्याओं का गुणा 2500 है, यदि एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है। यदि एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा?
तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? चर्चा इसके ऑप्शन की भी करेंगे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन में है 25, 125, 225 और 250। बिल्कुल धनात्मक यानी प्लस। दो धनात्मक संख्याओं का गुणा 2500 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की चार गुना है तो दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा? तो दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा? लिख लिया सबने क्वेश्चन, पढ़ते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का गुणा 2500 है। यदि एक संख्या दूसरी की चार गुनी है तो दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा? सभी विद्यार्थी बोर्ड पर ध्यान रखें और समझते हैं। मैं सिर्फ वही काम करूंगा जो मुझे ये कहेगा। बोला दो संख्याओं का गुणा 2500 है, मुझे मालूम नहीं है संख्या कौन सी है। हमने कहा ठीक है, एक संख्या को हम x मान लेते हैं और दूसरी संख्या उससे चार गुनी है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से चार गुना है, इसका मतलब दूसरी संख्या हमको माननी पड़ेगी 4x। हो गए 4x। पहली संख्या x है, दूसरी 4x है। सर आपने 4x क्यों लिखा? अरे भाई आप कह रहे हैं दूसरी चार गुनी है। अगर कहता है दूसरी संख्या 5 गुनी है तो 5x लिख देते। ठीक है, पहली संख्या x, दूसरी 4x। कहता है कि सर इनका गुणा 2500 है। ओके, मतलब आपका पहली संख्या और आपकी जो दूसरी संख्या है 4x, इनका गुणा 2500 है, तो हमने 2500 लिख दिया। देखो इतना सरल सवाल है। ये कहता है कि एक संख्या x है और दूसरी सु चार गुणी है, तो 4x कर दिया। बोला भैया इनका गुणा 2500 होता है, तो हमने इसको और इसको गुणा किया, 2500 आना चाहिए। अब यहां पे चार का तो चार ही रहेगा, लेकिन x को जब x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2500। अब चार का भाग देना ही पड़ेगा तुमको इसमें। अब बताओ चार का भाग कितनी बार जाएगा? चार छिका 24, चार छिका 24, एक बचेगा, एक बचेगा जीरो लगेगा तो 10 हो जाएगा, चार दुनी 8, फिर दो बचेगा 20 हो जाएगा, चार पंच 24, 625 बार आएगा भाई। अरे 2500 में चार का भाग देंगे जब 625 ही तो आएंगे। अब ये स्क्वायर है ना, तो हम जानते हैं जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 625 के यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, और 625 का वर्गमूल क्या होता है 25। मतलब 25 को 25 से गुणा करते तो क्या आता है 625। तो x का मतलब 25 है। अब मुझे बताओ पहली संख्या कौन है? x। तो x का मतलब तो क्या हो गया 25। दूसरी x नहीं है, दूसरी 4x है। अब x का मतलब तो 25 ही होता है ना, तो 25 गुणा 4 करो तो दूसरी संख्या 100 है। क्या बताना है? इन दोनों का जोड़ बताना है। तो बताओ जोड़ क्या आएगा? 125। क्लियर है ना भाई? पहली संख्या कौन है? x। x का मतलब क्या है? 25। दूसरी कौन है? 4x। तो 25 चौका 100, इनका दोनों का जोड़ बताना है। इसने जोड़ कहा तो इनका जोड़ होगा 125। कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर ऑप्शन है। आई बात समझ में कुछ? हाँ भाई, क्लियर है मैटर? आया समझ में आपको? लिख लो। नहीं होगा ना, क्योंकि उसने दूसरी लाइन में बोला ना, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। x गुणा वाई 2500, ठीक है, फिर आगे पड़ेगा जब पता लग जाएगा। हाँ, मैंने भी यही मानूंगा, लेकिन मैं जैसे अगली लाइन को पढ़ूंगा कि एक संख्या से चार गुणी है, तब तुरंत समझ जाऊंगा ना मैं। हेलो, भाई हम पहली लाइन को पढ़ करके तो x और y ही मानते,
फिर दूसरी लाइन को पढ़ा ना, एक संख्या दूसरी की चार गुणी है, तुरंत समझ गए एक संख्या दूसरी की चार गुणी है, मतलब एक को एक से दूसरे को चार गुणी माननी पड़ेगी। मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा, हाँ हो सकती है ना, क्यों नहीं, फिर अगला समीकरण कैसे बनाएगा? देखो इसमें दूसरा मेथड ये है कि एक संख्या एक है, दूसरी चार गुणी, तो दोनों मिलके पांच होएगी, तो इसके आंसर में पांच का भाग जाएगा। अब इसमें ऐसी कोई संख्या है जिसमें पांच का भाग जाएगा तो सभी है, हाँ भाई सभी विद्यार्थी बोर्ड पे ध्यान रखे। देखो और भी ये तो सिंपल सवाल, इसको सीधा हम कर सकते थे कि जैसे 25 125 आया, तो आपको मालूम है कि एक संख्या 25 है और उससे चार गुणी, तो एक संख्या एक है तो दूसरी चार है, वो मैंने चार गुणी, तो इन दोनों का जोड़ के आ गया पाँच, इन दोनों का जोड़ के आ गया भाई पाँच। अब इसका पाँच का भाग किस में जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि पाँच का भाग सभी में जा रहा है, तो फिर आप अगर समझ सकते हो तो यहाँ से समझ सकते हो, अगर मैं इसको मान लीजिए 25 मानता हूँ और इसको 100 मानता हूँ तो ये 2500 हो जाता है, 2500 आ गया भाई, 2500 आना चाहिए ना, तो एक को 25 मान लो, इसके पीछे 100 है तो जीरो तो है ही, तो इसी से पता लग गया जीरो, देख के जान गया 100 आएगा, एक 25 एक 100 है, 2500 हो गया, बताओ इसी ये चार गुना एक नहीं है, 25 का चार गुना 100 होता है ना, तो ये ऐसे पता लग जाएगा, इनका जोड़ बताओ 100 और 25 125, ये तो मैथ है, ये तो बहुत सरल है, इसका तो एक सिस्टम है कि आप पढ़ते जाओ एक महीने बाद में, फिर आपको पता लग जाएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वही बातें बार बार आती है। अब आप एक बात बताओ, किसी भी अनजान गांव में भी जाते हैं तो पहली बार, तो किसी भी जगह पहली बार, रात में शादी में जाते हैं ना आप, तो शादी में बारात में लाइट है, गजब मजा आता है, और वो टेंट वैसे ही लगा रहे हैं, आप सुबह देखो फिर उसको उठ के, टेंट अभी हटाया नहीं, ऐसे कैसे लाइटें वाइटें, लेकिन वही सुबह देखेंगे ना तो वो अलग दिखेगी आपको। आप होटल में जाओ रात में 10 बजे खाना खा के आओ, और फिर दिन में जाओ 10 बजे उसी होटल में, तो दिन में वो होटल आपको अलग नजर आएगी। आप किसी के गांव में भी जाएंगे तो पहली बार अलग लगेगा, अब 10 5 बार जाएंगे तो कुछ अलग नहीं लगेगा। इस मैथ्स में ये सिस्टम, आप इनको पढ़ते जाओ एक महीने बाद में, फिर आपको कोई चीज कठिन नहीं लगेगी। अब आप पहली बार डिसाइड कर लेते हैं तो कुछ लोग ब्रेक हो जाते हैं, सिलेक्शन इसलिए नहीं होता, एक बार दो बार दो चार महीने पढ़ के बच्चे सोचते हैं यार पार नहीं पड़ेगी, वापस आ जाते हैं, और कुछ लोग आर पार की लड़ाई लड़ जाते हैं और वो जीत जाते हैं। तो सीधी सी बात है, समस्या पैसे वाले वही बनते हैं जो समस्याओं पे काम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम गरीब रहें तो जैसे कठिनाई आएगी ना तो दो चार दिन में मुंह मोड़ के वापस आ जाएंगे आप। इस दुनिया में सब लोग आलसी है, कुछ ही लोग हैं जो मेहनती होते हैं, और कुछ लोग इतने चालाक होते हैं, इतने चालाक होते हैं वो जानते हैं कि अब मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं थक रहा हूँ, इसका मतलब मजा आने वाला है। आप जितना थकोगे, आपको पढ़ने में मन लग रहा है, नहीं लग रहा, जोर आ रहा, परेशानी हो रही है, यही तो वो इसी को तो पार करना है। अब आप इसमें मन नहीं लग रहा फिर भी पढ़ो, जिसमें मन नहीं लगता है उसको काम को करोगे तो गरीब रहेंगे। पैसे वाले वही बनते हैं जिस काम को करने में मन नहीं लगे ना, उस काम को जो ज्यादा करते हैं ना उसकी तरफ पूरी दुनिया देखती है। जिस काम को देखो, आप मीठी गोली खाओ लेकिन अगर बुखार आ गए तो कौन सी गोली होगी? कड़वी। उसको खाने में जोर आता है ना। बुरा जो जिस काम को करने में कठिनाई होती है, जिसमें दिमाग खराब होता है, जिसमें परेशान होते हैं, कुछ लोग उसी काम को करते रहते हैं, और उस कठिन काम को अगर बंदे करेंगे तो वो नहीं करने वाले 90% लोग है ना उनकी तरफ देखते हैं। आज इस दुनिया में जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं, जितने भी देखो 100 में से 100 तो नौकरी नहीं कर रहे, इस दुनिया में कितनी सारी दुनिया कुछ पैसे कमा रहे, बिजनेसमैन है, कोई चाय बना रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, ये कौन है? ये मेहनती लोग हैं। और कुछ लोग मेहनत जब करते हैं जब उनकी उम्र 30 35 साल हो जाती है, जब उन्हें सोचते हैं कि यार अब बच्चों को खाना कैसे खिलाएं, तब वो मेहनत करते हैं, तब आपको ये कैसे भूल जाते हैं कि आपकी लाइफ का टाइमिंग तो फिक्स है, आपका मरना फिक्स है। इंसान का मरना कब है? 25 से 50 के बीच। अब 25 और 40 45 तक आपने कमा लिया, उसके बाद में उन पैसों से आप बैठते हैं घर पे, बैठ के फिर अपनी औलाद को देखते हैं कि अब मेरी औलाद क्या करेगी। आपके जो माँ बाप है ना, उनकी जो उम्र है ना, अब उनकी बैठने की उम्र आ गई,
और आप वो सितारे हैं जो जगमगाएंगे आंगन में, आप वो बल्ब है जो आपके माँ बाप के आंगन में रोशनी करेंगे। वो इंतजार कर रहे हैं कि अब आने वाले हैं फल इस पेड़ के मीठे। मतलब आपको पता ही नहीं है आप क्या हो। इसको मैं कहूंगा ना तभी नहीं समझ पाओगे, फील नहीं कर पाते हैं बच्चे, फीलिंग आती नहीं है इसमें। आपको फीलिंग आएगी जब आप 30 के हो जाएंगे, जब पता लगेगा ना पैसों की जरूरत है, जब फीलिंग आती है। और कुछ के बच्चों के माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को हर 5-10 दिन में मोटिवेशन करते हैं, उसको बताते हैं कि देख यार मेरे साथ ऐसा हुआ, आप पढ़ो, कैसे भी करके नौकरी लग जाए, चाहे मैं तो पैसा कर्जा से लाऊंगा उधार लाऊंगा पर नौकरी लग। और उनके बच्चे कुछ लोग समझदार होते हैं वो नौकरी लग जाते हैं। अब आपकी उम्र में पता आपको क्या लगती है, आपके सिर्फ एक ही बात का असर होता है। अगर आपको कोई यूं कह देना, चैलेंज कर देना कि आप कभी नौकरी नहीं लगोगे, जैसे आपके पिताजी से कह दिया कि क्या है तुम हमारे आगे, कुछ नहीं है, नौकरी नहीं लगोगे तुम, तेरा बेटा तो वैसे रोता डोलता है। जब जागते हैं आप, ये 20 से और 25 15 से और 27-28 साल की जो उम्र है ना, ये 10 साल का ऐसा है, इसमें लड़के और लड़कियां ना, इनको जब लड़ते हैं ना तो ये विरुद्ध, मतलब ये ताकत है, ये बच्चे ये लड़ सकते हैं। इनको बोल देना तू नौकरी कभी नहीं लगेगा, तब लगेंगे नौकरी। इनको सही ढंग से समझाते हैं तब नहीं समझता ये। अब आपकी उम्र है, ये उम्र का दोष होता है, और उम्र का दोष ईश्वर ने जो जैसे बनाया, अलग अलग माइंड दिया आप लोगों को। तो तुम तो यही ध्यान रखो, जिस काम को करने में परेशानी होती है, आप मुझे बताओ बच्चों को इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश की तैयारी करते ही नहीं लोग। चलो रेलवे की तैयारी कर लेते हैं, पटवारी की कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है यार इंग्लिश नहीं आती, रहने दो इंग्लिश के बगैर दूर हो जाते हैं। आप सोचो इंग्लिश बहुत कम लोगों को आती है, लेकिन अगर वो सब्जेक्ट तुमको आने लग जाए, तुम उसमें मेहनत करने लग जाए, तो तुम भीड़ से अलग हो जाओगे। एक ही बात का ध्यान रखना, अब आप क्या कर रहे हो इस समय, आप कर रहे हो नेक्स्ट प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो आप यहाँ बैठ के। आप यहाँ ये चाहते हो कि हम कुछ ऐसा सीख जाएं, कुछ ऐसा कर जाएं, कुछ हमारे घर वाले पैसे दे रहे हैं, कुछ हमारे टीचर्स हमको पढ़ा रहे हैं, कुछ लोगों की आपकी मेहनत है, और इस मेहनत का एक परिणाम निकले गजब का, और आप लोग नौकरी लग जाए। नौकरी लग जाएगा तो ये तो है नहीं कि नौकरी लगने के बाद में तुम तगड़ा बड़ा करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन कम से कम हम इज्जत से बिना किसी से उधार पैसे लेकर के अपने जीवन यापन तो कर ही सकते हैं ना। हमारा मेन लक्ष्य होता है जीवन में हमेशा खुश रहना, इसलिए खुश रहने के लिए ही पैसे की जरूरत होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। इसलिए आप पढ़ाई करो। आपको सवाल कठिन लग रहे हैं, मैं यहाँ पे ऐसे भी सवाल और सिंपल सवाल समझा देंगे, उससे क्या होगा। ये वो क्वेश्चन है जो SSC में आए हुए हैं, अगर आप इन क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं, अब आपने एक बार पढ़ लिया आपको जो रहेगा, अरे एक बार क्यों यार भैया, नौकरी लगना है नहीं लगना, 7 बार पढ़ना इसको, किसी चीज को 7 बार पढ़ो, दुनिया देखती रह जाए, दुनिया को दिखा दो आपकी ताकत आप में क्या है। और है ना, सब एक इंसान है जिसका नाम भगवान है, उसका नाम है मेहनत। मेहनत से बड़ा मैंने भगवान नहीं देखा मेरी लाइफ में। और इसका दुश्मन कौन है, इसका दुश्मन है आलस। आपका दिमाग कहेगा यार थक गया, रहने दे, कल पढ़ लेंगे, ले चलो आज रहने दो। ये दुश्मन आपका, ये हमेशा साथ रहता है, आपका दुश्मन हमेशा आपके साथ रहेगा आलस। आपको हर कदम पे, अभी मैंने कह दिया जूस पीने चलते हैं यार, वहां चलते हैं फाटक पे, आपका दुश्मन बोलेगा अरे रहने दे यार इतनी दूर कौन जाएगा। आपका दुश्मन आपको काम ही नहीं करने देता, 24 घंटे साथ रहता है आलस। इस दुश्मन पे काबू पाओ, मेहनत करेंगे तो जीत जाएंगे, अगर नहीं मेहनत करेंगे तो दोस्तों हार जाएंगे। आज हमें जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हमें इसका नॉलेज है, अब हम चाहते हैं कि हम जितना भी पूरा है आपके एग्जाम में हम 2 सब्जेक्ट लेकर मैथ्स रीजनिंग, तो GK साइंस तो आप खुद पढ़ा करो, रीजनिंग भी कतई बड़ी बात है, रीजनिंग तो एक बार पढ़ लेंगे ना, रीजनिंग एक बार, उसके बाद में आप खुद कर लेना, मेरी गारंटी आप खुद कर लोगे, रीजनिंग बड़ी बात नहीं है। GK घर बैठ के क्यों नहीं पढ़ सकते हो आप, साइंस क्यों नहीं पढ़ सकते हो, हम पढ़ा रहे लेकिन आप क्यों नहीं पढ़ सकते हो। इसी प्रकार मैथ्स को यहाँ सीखो, उसके बाद में आपको इसमें बहुत जोर आएगा, जब दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको आधा ही जोर आएगा, तीसरी बार में बिल्कुल ईजी लगेगी, और चौथी बार में आप अपने आप में ये समझ जाओगे कि अब दुनिया में हमसे ज़्यादा कोई नहीं है, ऐसे फीलिंग आती है लास्ट में। मेहनत ही भगवान है, इस मेहनत के पीछे पड़ जाओ, इसके द्वार पर डेली जाओ। आप जब मेहनत करेंगे तो आपका दुश्मन साथ चलेगा आलस, वो करने नहीं देगा। अब आप देख लो कुछ ही लोग मेहनत करते हैं, आज मेरे इस यहाँ से इस रोड पे अगर 10 जूस की दुकान चला रहे हैं ना, तो एक आदमी की जूस की दुकान ज़्यादा चलती है, और बाकी 9 लोग है ना भूखे मरते हैं, और एक ज़्यादा ही पैसा कमाता क्यों,
भाई उसके पीछे मेहनत है यार, उसकी कितनी मेहनत है, कितना उसने उसको 100% दे रहा है। आप अपनी लाइफ में अगर इस पढ़ाई को 100% देंगे तो आप जीत पाएंगे, वरना नहीं जीत पाएंगे। ये जमाना 2003 वाला नहीं है, 2005 वाला जमाना नहीं है जो 20-30-40% पर नौकरी लग जाती थी, अब नहीं है, 90-90% जा रही है। ये जमाना चोरों का भी है, ये चोर बैठे हैं कुछ जो वैकेंसी में, जैसे 500 पोस्ट है ना तो 50 चोर जेब में धर लेते हैं, अब 400 बची बच्चों के लिए हमारे। अब बेचारे गरीब बच्चे न जाने कितने हजारों रुपए यहाँ खर्च कर रहे हैं। आप जो रूम लेकर यहाँ किराए से रह रहे हैं, आपके घर वालों के पास कौन से करोड़पति, तो सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करते। तो इसलिए आप इस उम्र का फायदा उठाओ, और टाइम फिक्स है, आप जिन 100 साल कोई नहीं जिएगा, उम्र फिक्स है, ये तो वैलिडिटी फिक्स है, इसके 4 पार्ट है जिसमें से ये तो कवर हो गई, ऐसे मान लो आप। तो इस लाइफ का आनंद लो, मेहनत के साथ जिंदगी जियो, मेहनत करेंगे तो आगे मजा आ जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, मेहनत नहीं की तो तुम खुद दुखी हो जाएंगे, और माँ बाप तुमको देख देख के दुखी होंगे, माँ बाप तुम्हें देख देख के दुखी होंगे अंदर ही अंदर। तो इसलिए आप अपने आप को बनाओ, मेहनत ही सब कुछ होती है। आप लोग पढ़ने आए, अरे यार मेरे समझ में नहीं आ रहा, अरे जब भी तो मजा आएगा, बैठे रहो, देखे एक दिन तो आएगा समझ में, दुनिया के समझ में आ जाता तो मेरे क्यों नहीं आएगा, जब पूरा गांव समझता तो मैं क्यों नहीं समझ सकता, और मुझे नौकरी लगना है तो मुझे समझना होगा। तो कुछ मेहनत करो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, यदि 2 संख्याओं का अंतर 3 है की कितने बजे होगी कल? उनके वर्गों का अंतर 39 है, उनका वर्गों का अंतर 39 फिक्स कर दो, है ना, टाइम को एक बार ही कर दो, अब फिक्स ही कर दो इसको, तो बड़ी संख्या क्या होगी? आठ, नौ, बारह, तेरह, दो संख्याओं का अंतर 3 है, उनके वर्गों का अंतर 39 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? सुनिए, 2 संख्याओं का अंतर क्या बताया जा रहा है? 3। उनके वर्गों का अंतर क्या बताया जा रहा है? 39। तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे पहली बात आप ध्यान से रखें, अब देखो इसमें पढ़ाई में कितना, यहां पे एक बात सीखनी पड़ेगी आपको, कभी भी आपको बोले वर्गों का अंतर, अगर ये वर्गों का नाम आ जाए, अगर घनों का नाम आ जाए, वर्गों को या घनों का नाम आ जाए, तो सवाल माइंड से अलोगा, पेन से नहीं। अगर आप पेन चलाओगे तो लेट होंगे, लेकिन आप दिमाग चलाएंगे तो तेज गति से आंसर आएगा। अंतर 3 है तो सोचिए आप, अगर मैं 1 संख्या 1 लिख देता हूं, 1 लिख देता हूं 4, इन दोनों का अंतर 3 है क्या? मैंने मान लिया कि 1 संख्या 1, 1 संख्या 4, इनका अंतर 3 है ना, इनके वर्गों का अंतर 39 आना चाहिए। मुझे बताओ 1 का वर्ग क्या होता है? 1। 4 का वर्ग क्या होता है? बोलो 4 का वर्ग। अब इनका अंतर 39 है क्या? अरे भैया इनका, इन दोनों का अंतर 39 है क्या? नहीं है तो ये गलत है, क्लियर है? लेकिन मुझे ये पता लग गया, ये तो खुद ही 15 अंतर आएगा, तो संख्या बढ़ी लेंगे। मैंने लिख लिया 1 संख्या को 5 लिख लिया, 1 को मैंने लिख लिया 5, 1 को लिख लिया मैंने 8, बताओ मुझे इसमें अंतर 3 का है क्या? अरे भैया 1 संख्या 5, 1, 8, इन दोनों में अंतर 3 का है क्या? इसके वर्गों का अंतर आना चाहिए 39। अब आप मुझे बताओ 5 का वर्ग क्या होता है? सर 25।
8 का वर्ग क्या आता है 64, है ना भाई। इन दोनों में कितने का अंतर है ये बताओ, 64 में से 25 घटाएंगे जब अंतर आ जाएगा, और अंतर आ जाएगा 39 घटाएंगे तब, इसका मतलब 39 अंतर आ गया, और अंतर आ गया तो इसका मतलब हमें क्या बतानी, बड़ी संख्या कौन है बताओ भाई, बड़ी संख्या 5 है या 8 है, 8 इस सवाल का राइट आंसर होगा। आ गई बात समझ में, एक बार फिर से समझने की कोशिश करें बात यहां पे क्या आ रही है, समझना। अंतर 3 है तो हमने लिख लिया एक संख्या 5, एक लिख लिया 8, और वास्तव में इन दोनों में अंतर 3 का है, लेकिन 3 का अंतर तो और में भी हो सकता है ना। आगे बोल रहा है वर्गों का अंतर 39 है, सर 5 का वर्ग होता है 25 और सर 8 का वर्ग होता है 64, और हां इन दोनों के अंतर की बात करते हैं तो इसमें अंतर 39 आता है, इसका मतलब बड़ी संख्या कौन है, आपको बड़ी संख्या बतानी है, छोटी बतानी है तो 5 और बड़ी 8, इसका मतलब आपके सवाल का आंसर होगा 8। इस टाइप का काम मैं कब करता हूं पहले ही बता देता हूं, जब भी मैं ऐसे पढ़ता हूं दो संख्याओं का वर्गों का अंतर, ये वर्गों का घनों का नाम ले दिया तुरंत समझ जाऊंगा, भाई ऑप्शन करो माइंड लगाओ, और अगर ऐसा नहीं किया 69 हम लेते हैं बिल्कुल, एक ले लिया 6 एक ले लिया 9, बिल्कुल सही अंतर इसका भी 3 है, 6 का वर्ग होता है 36 और 9 का वर्ग होता है 81। अब इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 39 नहीं आएगा, ज्यादा आएगा अंतर। देखो सुनो, इसमें यह सवाल आपके दिमाग में बनेगा कि सर 5 और 8 ही हम क्यों लिखें, भाई हमें ऐसे कैसे सपने आएंगे भाई 5 और 8 लिख लो, है ना, ऐसे कैसे पता चलेगा, अभी मैं बताता हूं कैसे चलेगा, पहले तुम इसको लिखो फिर मैं बताऊंगा इसको मिटा के। कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते, अब सुनिए अंतर 3 है, आपने लिख लिया एक को 5 लिख लिया, एक को 3 लिख लिया, एक को आपने 2 लिख लिया, इसमें अंतर कितने का आ गया 3 का, 5 का वर्ग करो 25, 2 का वर्ग करो बताओ अंतर कितना आया 21, तो आप समझ जाओ इससे बड़ी आएगी, इससे बड़ी आएगी, तो ऐसे बड़ी आएगी, मान लो तुमने लिख लिया 6 और 9, तो 6 और 9 में 3 का अंतर है, 6 का वर्ग होता है 36, 9 क्या 81, अब इसमें से घटाएंगे तो 39 से भी बड़ा आ जाएगा अंतर, तो तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा भाई 39 एक बड़ी संख्या भी नहीं है छोटी भी, इनके बीच की संख्या रहेगी मतलब, इसीलिए मैंने फिर 5 और 8 लिखा, और 5 8 लिखा तो 8 का 64, 5 का 25, और इनका अंतर घटाएंगे 39, और इनका अंतर ले लो 3, तो 3 भी 39 भी, तो बड़ी संख्या 8 हो जाएगी, डायरेक्ट ऐसे ही करना, आप ध्यान रखना इस चीज का, नोट रखना, वर्गों का और घनों का नाम लेंगे ना तो हम इसी टाइप से करेंगे, मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, क्लियर है ना, क्या अगर हम इसको ऐसा करते हैं कि दो संख्याओं का अंतर 3 है, हम एक को मान लेते हैं x, एक को मान लेते हैं y, बोला भैया इनका अंतर 3 है तो ठीक है हम x माइनस वाई, तो x माइनस वाई अंतर क्या मान लिया 3, इनके वर्गों का अंतर क्या बताया जा रहा है 39, तो हमने देखा कि इनके वर्गों का यानी x का वर्ग और y का वर्ग इनका जो अंतर है वो क्या बताया जा रहा है भाई 39। मुझसे ये जो बोलेगा मैं वही लिखूंगा, मेरे को इसने बोला दो संख्या है, मैंने कहा भाई मुझे नहीं मालूम कौन है, पता नहीं एक्स वाई, बोला इनका अंतर 3 है, ठीक है सर अंतर लिख देते हैं, बोला इनके वर्गों का अंतर 39 है, ठीक है सर इनके वर्गों का अंतर लिख दे, हमें क्या मतलब है, वर्गों का अंतर कर दिया, बोला 39 है। अब प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे मैथ्स में फॉर्मूला चलता है, अगर कहीं पे भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाए तो इसका मतलब होता है एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, एक्स प्लस वाई कर दो एक बार एक्स माइनस वाई कर दो, ये एक फॉर्मूला होता है। अरे भाई आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, ये फॉर्मूला होता है, मैं इस फॉर्मूले को बताने नहीं चाह रहा था, जब फॉर्मूले बताएंगे जब एक ही बार में सब कुछ बताएंगे, ये अभी यहां बताने की मुझे जरूरत नहीं थी, मैं ये सीखना चाह रहा था कि वर्गों में और घनों में क्या करना वो मैंने बता दिया, हालांकि आपने पूछा मैं इसको भी बताता हूं।
अब ये फॉर्मूला जिस बच्चे को याद है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वो समझ जाएगा कि इसका मतलब है सर एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। जब भी कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो तो इसका फॉर्मूला ये हो गया और आपने 39 की जगह 39 लिखा। हमें मालूम है कि एक्स माइनस वाई का मतलब क्या बताया जा रहा है तीन, तो ये एक्स माइनस वाई है ना इसकी जगह आप क्या लिखेंगे भाई तीन, तो यहाँ तीन लिखेंगे और यहाँ आपका एक्स प्लस वाई ऐसा कैसे रहेगा बराबर की जगह बराबर 39 के तीन से इसको बेहोश कर दो तो तीन का भाग बताओ कितनी बार जाएगा 13 बार। तो x प्लस वाई का मतलब क्या आ गया है 13, x प्लस वाई का मतलब क्या आ गया है 13। ठीक है तो यह सूत्र अगर आपको याद था तो इसके अनुसार कर सकते थे। अब समझना पहली बात क्या थी x माइनस वाई बराबर क्या होता है तीन, दूसरी बात क्या है x प्लस वाई और इसका मतलब क्या होता है 13। इसमें y से y कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का y है एक माइनस का y है, x में x जोड़ेंगे तो ये 2x हो जाएगा, 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 2 का भाग इसमें देंगे तो x का मान हो जाएगा 8, मतलब एक संख्या 8 है। अब आप समझो अगर x का मतलब मान लीजिए 8 होता है तो मैं यहाँ पे 13 लिखूंगा तो बताओ यहाँ क्या लिखूं, x का मतलब 8 है तो y का मतलब क्या आएगा बताओ 5, जब ही तो होंगे 13, इसका मतलब एक तो 8 है एक 5 है। आ गई बात समझ में, ये सूत्रों की बात थी लेकिन मैं यहाँ अभी आपको ये चीज बताना नहीं चाहता था, सूत्र तो बताएंगे जब सूत्री बताएंगे ना, खूब हर चीज बार बार आएगी कई बार आएगी, ये चीज आगे भी कई बार आएगी, ये चीजें बार बार आती जाएगी और इसी प्रकार आप सीखते जाओगे। आप लिख तो दिया है तो आप इसको भी लिख लो, लिखते तो चलो क्या दिक्कत है। लेकिन एग्जाम में मत करना है ना, एग्जाम में सीधा करना ऑप्शन से, वर्गों का घनों का सवाल आएगा ऑप्शन से करना, ऐसे एक्स वेक्स नहीं लगाएंगे ध्यान रखना। एग्जाम में फॉर्मूलेशन नहीं चलेंगे। आप फॉर्मूले से करेंगे ना अगर इनको वर्गों को घनों को ना तो उसका ये वो काम हो रहा है, जैसे आप किसी भी जगह पहले जाते हो ना किसी 50 किलोमीटर आप किसी गांव में गए फिर आप दोबारा उस गांव में जाएंगे तो एक बार कंफ्यूज हो जाते हैं यार रास्ता यहीं से था या आगे से था, कई बार भूल जाते हैं कि यार गलत गली में आगे फिर घूम घाम के फिर पहुंच जाते हैं वो हो रहा है। लेकिन आप उस गांव में 50 बार जाएंगे तो आप तुरंत चले जाएंगे पक्का चले जाएंगे और फिर आप पीछे गाड़ी में सो जाओ और ड्राइवर से बोलो चलने दे कार और है ना आप जैसे ही वो गाड़ी घुमाएगा तो आपको सोते सोते पता लग जाएगा शायद यहाँ आ गए होंगे। मैं यही समझ में क्या कह रहा हूँ, पीछे सोएगा ना कोई बूढ़ा आदमी वो सोता सोता आंखें बंद करके समझ जाएगा यार इतना बड़ा ब्रेकर है शायद वहां गए दिखते हैं। तो भैया जितना ज्यादा पढ़ोगे इसको जितना ही एक्सपर्ट बन जाओगे, सीधा सट काम है ये। जब रास्ता भूल जाते हैं तो मैं थे इसमें तो हर पॉइंट पे रास्ते घूम रहे हैं। प्रैक्टिस इज परफेक्टनेस, जो मेहनत करता है वो जीतता है, सीधा सा काम है। इन सभी बातों का जवाब है मेहनत। लोग सब पता लग जाएगा जब हम बार बार पढ़ेंगे ना, जब इन्हीं सवालों को बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप ही खुद ही समझ जाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 50 को 2 भागों में विभाजित करें
50 को दो भागों में विभाजित करे जिनसे उनके व्युत्क्रम का योगफल 12 हो, जिससे उनके व्युत्क्रम का योगफल 1/12 हो। पैंतीस और 15 फर्स्ट ऑप्शन है, बी में है 20 और 30, और सी ऑप्शन में है 24 और 36, और डी ऑप्शन में 28 और 22। आप रेगुलर 6 महीना इस क्लासरूम में बने रहना, 6 महीने बाद में आप क्या बन जाओगे जो आपको भी पता नहीं चलेगा, मुझे पता चलेगा हमेशा, मुझे हर डे पता चलता रहता है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि 1 महीना हो, उसके बाद में आप मेरे से कुछ भी नहीं पूछ पाओगे यहां, क्योंकि 1 महीने बाद में तो तुमको आनंद आ जाएगा। अब मैं अच्छे से जानता हूं कि अब आप चाहे आज हम पहली बार पढ़ने, पहली बार में आपके दिल में क्या आ रहा है, आपके मन में क्या आ रहा है, आपको कठिन लग रहा है, सरल लग रहा है, सब पता है, सब पता है मुझे। अब मैं तो भगवान से आशा ये करता हूं आप बने तो रहो, टिको तो सही उस पिच पे। 50 को दो भागों में विभाजित करो जिनके व्युत्क्रम का जोड़ 1/12 आना चाहिए। ओके, तो ये 50 सेकंड को जोड़ेंगे जब, भाई 50 इनको जोड़ेंगे जब होता है या नहीं होता है, इनको जोड़ेंगे जब भी 50 होता है, इनको जोड़ेंगे जब भी 50 होता है, इनको जोड़ेंगे जब भी 50 होता है, तो इसमें से तो 50 से भी ज्यादा हो रहा है, उनके व्युत्क्रम का जोड़ 1/12 है। ओके, जैसे हमने लिख लिया 20 और 30, तो सबसे पहली बात तो ये 20 और 30 50 तो हो जाता है, ये बात तो सही है। इनके व्युत्क्रम 1/12, तो 20 का व्युत्क्रम क्या होता है, मैं नहीं बताऊंगा 20 का व्युत्क्रम और 30 का व्युत्क्रम। अब इनका जोड़ 1/12 हो गया तो सही है, नहीं तो गलत है, मुझे बताओ एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा ना। अगर 60 नहीं ले, अगर गलती से तुमने 20 और 30 दोनों को लिख दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एलसीएम नहीं ले पाए, मैं इसलिए लिख रहा हूं ऐसा, मान लीजिए कोई उटपटांग संख्या के आप एलसीएम लेने में दिक्कत आ रही है, तो सीधा 20 को और 30 को लिख दो अपने आप एलसीएम। हाँ, इंटू में तो आएंगे, वो इंटू में आएंगे, हो गया एलसीएम। अब 20 से 20 कट जाएगा, क्या बचेगा 30, 30 से 30 कट जाएगा, क्या बचेगा 20। अब ऊपर जोड़ो, 20 में 30 जोड़ो, जब क्या आएगा बताओ मुझे, 50। और इनको गुणा करो, तो गुणा नहीं करना आपको, 3 × 2 = 6 और 1 0 और 1 0 ये। ओके, अब 0 से 0 कट गया, 5 × 5 = 5, 12 × 5 = 60 आ गया ना आंसर 1/12। 1/12 हुआ या नहीं हुआ, किसकी वजह से हुआ, 20 की और 30 की वजह से, तो बताओ आंसर क्या होगा, 20 और 30। अब रुको, किसके बारे में बताओ, बताएंगे ना, 100% बताएंगे, आप नहीं बोलेंगे तब भी बताऊंगा और बहुत बढ़िया ढंग से बताऊंगा। सुनो, इसका व्युत्क्रम पहले तो मुझे बताओ, 20 और 30 को जोड़े जब 50 हो गए क्या, ठीक है, अब इसकी ये शर्त भी तो मिलनी चाहिए ना, तो 50 का, इसका 20 का व्युत्क्रम और 30 का, अब इनको एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे जब क्या आया बताओ, एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लेंगे जब क्या आया, 60। अब 60 इस 12 का भाग 60 में जा रहा है क्या, भाई इसको काटेंगे तो 12 आएगा या नहीं आएगा, तो मुझे पता लग गया कि ये सही है। अगर आप कहते सर 35 को और 15 को लिखो, बिल्कुल लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी, अगर हम 1/35 लिखते और 1/15 लिखते तो इसका जो एलसीएम कुछ भी आएगा उसमें 12 का भाग जाएगा क्या, मुझे बहुत अच्छे से पता है इसमें 1/12 आना चाहिए। अब प्यारे विद्यार्थी, ये या 12 आ जाए या 24 हो, 12 × 36 हो, 12 × 5 = 60 हो, या 12 का फैक्ट, 12 का गुणा होना चाहिए भाई, नीचे 12 आना चाहिए, तो 12 कट, देखो 60 था, कटा कटा जब तो 12 है नहीं। अब इसका तुम एलसीएम लो तो ये जिंदगी में 12 का भाग नहीं जा रहा, मुझे मालूम लग गया, इसके हाथ ही मत लगा, नहीं समझे क्या बात को। राजीव आप बने रहना, आपको बहुत कम समझ में आ रहा है ना, और इसमें चक्कर ये पड़ रहा है, ये टाइप नंबर कौन सी चल रही है, 5 है ना भाई। अब आप
दो दिन का वेट और करो, उसके बाद में मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा और नए टॉपिक आपका जो कार्ड बनेगा उसमें भी हम लिखेंगे कि टॉपिक नंबर 2 से एडमिशन लिया बच्चे ने, फिर 2 नंबर से, फिर आप कोई से बच्चे को बिठा दो मेरे सामने, फिर वो पूरी तरह से प्रॉपर सीख जाएगा। अब थोड़ा सा चलती गाड़ी में बैठेंगे तो दिक्कत भी होती है ना, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। सुनो, इसका एलसीएम लेऊंगा तो मुझे बताओ क्या आएगा। सर मुझे तो एलसीएम लेना ही नहीं आता। अरे नहीं आता तो मत ले, इसको ऐसे ही लिख दे, ले एलसीएम काहे को लेता है, किस किस का एलसीएम ले लेगा, मत लो एलसीएम। अब मुझे बताओ इसमें 6 का 12 का 12 कहता है, 6 दूनी 12, 6 का भाग इसमें जाएगा क्या, इसमें जाएगा क्या, तो इसके काहे को हाथ लगा रहे, गलत है ये, पक्का गलत है, 100% गलत है, इसलिए मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। और सर 24 और 36 ले लेते तो ठीक है, ले लेते हैं, 1/24 ले लिया, 1/36 ले लिया, इसका एलसीएम लीजिएगा, 12 का भाग जा रहा है, एलसीएम लो इसका, 36 का एलसीएम क्या होता है, 36 दूनी 72, 24 का भाग दो 3 बार, 36 का दो कितनी बार गया, 2 बार, तो ये 5/72। अब बताओ ये किसी के बाप से नहीं कटेगा, 5 का भाग दिया कभी जीवन में 72 में आज तक, अरे दिया 5 का भाग, तो ये कटेगा नहीं, तो ये इसी से बात बनेगी 20 और 30 से। तो हमने इसको किया बाई ऑप्शन। जीमो आप युद्ध लड़ने सब प्रकार के बोल खेलनी चाहिए, सब सब पूरा नॉलेज होगा ना तभी नौकरी लगेगी। सीखते जाओ आप बस इस समय पे, आप तो सीखते चलो, इतना ही है, सीखते चलो, सब समझ में आने लग जाएगा, सब कुछ खुद का दिमाग ही समझ लेगा। ठीक है भाई, अब आज के लिए इतना ही है, और अब ध्यान रखें, आज आप यहाँ से मेन चीज़ ये सीख के जा रहे हैं कि हमको जितना कठोर जितनी मेहनत लगेगी उतना ही रिजल्ट अच्छा आएगा, और इसी विश्वास के साथ मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहो। थैंक यू, कल फिर मिलते हैं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। और किसी को कोई भी बात करनी है तो नीचे मैडम से आप बात कर लेना, मेरे को तो अब आने वाले समय में मैं और भी बिजी होऊंगा, मेरी क्लास सबसे पहले ही लगेगी क्योंकि दिन भर मेरी और जगह भी क्लासें रहती है इस वजह से। ठीक है, टेक केयर।